मुझे हमेशा यहाँ सेटल होना था, और जब मेरी कहानी शुरू हुई मुझे यहाँ होना चाहिए था। हॉल सेट ना पूरी दीदी? हाँ, लास्ट मिनट बस थोड़ा कुछ बचा है। बोलो क्या करना है। ये बैग वे कर देना, और इसके बाद ये वाला बैग देती हूँ, इसको वे करके दिखा। तीन। गौतम, मम्मी का बुखार उतरा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत है। मम्मी का ये इस वक्त बीमार पड़ना मुझे इतना गिल्टी फील करवा रहा है ना कि मैं क्या कहूँ। हे भगवान। मम्मी, मैं अपनी टिकट पोस्टपोन कर रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। ये क्या बोल रहे दोपुर? वहां लंदन में तेरा करियर है, बुखार तो 2 दिन में उतर जाएगा। पर मम्मी। बेटा तू चिंता मत कर, यहाँ तेरे पापा है, गौतम है, चिंता मत कर, खुशी खुशी जा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अरे दीदी तू टेंशन मत ले, मम्मी का बुखार ना 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। देखो नूपुर बेटा, तुम एक नए देश में, एक नई दुनिया में अपनी जिंदगी की आगे को सफर को शुरू करने जा रही हो, तो यहाँ के सारे प्रेशर्स को, सारी चिंताओं को किनारे कर दो और फ्रेश माइंड से जाओ। मेहनत जरूर करना, लेकिन तबीयत संभालते हुए। बिल्कुल मम्मी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन जैसे ही मैं लंदन लैंड करूंगी मुझे पहले ही फोन में सुनाई देना चाहिए कि आपका बुखार उतर गया और आप बिल्कुल ठीक हो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पापा। अच्छा सुन, मुंबई लैंड होते ही मैसेज, लंदन की फ्लाइट बोर्ड होने से पहले मैसेज। फ्लाइट के दौरान नहीं। वेरी फनी, बट करना जरूर। ओके सुन बेटा सुन, वो लंदन पहुंचते सबसे पहले नया सिम कार्ड खरीदना और तुरंत हमें फोन करना। पापा प्लीज, आप टेंशन मत लो, पहुंचते ही नया सिम खरीदूंगी, वरना किसी पब्लिक बूथ से कॉल कर लूंगी। अब चलूं मैं। बाय। ये कहानी तब शुरू होती है जब मैं रांची से लंदन के लिए रवाना हुई, मेरे ड्रीम जॉब के लिए। ये जॉब मुझे मेरे फ्रेंड रजत ने दिलवाया था, आप उसे मेरा बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं। हे नूपुर, अपना इनबॉक्स चेक करो, अभी तक तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका होगा। रजत, I can't believe यार, ये सच में हो गया। यही तो है लाइफ का मजा, कई चीजें जब होती हैं एकदम अनबिलीवेबल लगती हैं, पर आपको पता होता है कि बॉस इट्स हैपनिंग, तो अपने आप यकीन आ जाता है। ये कहानी शुरू तो मेरे साथ होती है, पर दरअसल ये कहानी रजत की है। मेरी कहानी आपको रजत के बारे में बताएगी, और इन रिटर्न रजत आपको जो कहानी सुनाएगा वो मेरी हकीकत होगी। गौतम जी। पापा, नूपुर लंदन पहुंची क्या? पता नहीं पापा, फोन तो उठा नहीं रही है। 25 जुलाई को जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है और 27 को लंदन का फ्लाइट लेने वाली थी। यहाँ मुंबई के ऑफिस में सारा पेपर वर्क डन है,
अब कल का एक दिन फ्री है तो मैं और रजत थोड़ा मुंबई एक्सप्लोर करेंगे, फिर परसों 27 को लंदन की फ्लाइट। हाँ हाँ, मेरे भाई पहुँचते ही फोन करूंगी। अरे लेकिन लंदन पहुँचने के बाद फोन क्यों नहीं किया नूपुर ने? पता नहीं मम्मी, बिजी होगी, नया जॉब, नया शहर, अलग मौसम। फोन ट्राई कर उसका। हेलो, 100 साल जिएगी दीदी, उसी का मैसेज है। अच्छा, दिखा। ऐसा लग रहा है हेवन में हूँ, इतना सुंदर है लंदन, सब कुछ कितना क्लीन, और रजत एब्सोल्युटली स्वीट हार्ट है। फोन लगा उसका। पापा, मैसेज तो यहाँ के नंबर से आया था, मेरा फोन नहीं उठा रही। फिर से फोन कर, उसे बोल लंदन का नंबर भेज दे, भुलक्कड़ है हमारी लड़की। रिंग जा रही है, मतलब यहाँ का नंबर वहाँ एक्टिव है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको मैसेज कर देता हूँ। मैं निकलता हूँ। ओके बाय। काम में इतनी उलझ गई होगी कि नया नंबर अभी तक लिया ही नहीं होगा, और मालूम भी तो होना चाहिए ना वहाँ नंबर कैसे खरीदते हैं। शुक्र है रजत है उसके साथ वहाँ, उसे तो सब कुछ पता होगा ना कैसे करते हैं। बिग बेन तो तुम पहचानते ही हो, और उसका नेक्स्ट पिक थेम्स रिवर का है, और वो हमारे पीछे जो है वो है लंदन आए। लाइफ कितनी डिफरेंट है यहाँ, कितनी बेटर है, मैं बता नहीं सकती कि मैं मेरी जॉब और यहाँ की लाइफ कितनी एंजॉय कर रही हूँ। मतलब मैं तो वापस कभी लौटू ही नहीं, बस आप लोग यहाँ होते तो। मम्मी पापा, वो नया नंबर लेने का टाइम ही नहीं मिला। सब ठीक है, बहुत टायरिंग और लंबा डे था। रजत ने आज इतना बढ़िया इटालियन खाना बनाया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो कितना अच्छा कुक है। यहाँ अच्छे वर्कर की काफ़ी रिस्पेक्ट है, अच्छे काम की कदर है। ये मैटर ही नहीं करता कि आप कौन से कंट्री से हो, क्या स्किन कलर है, मेल फीमेल, नथिंग। ये हमारी नूपुर? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हमारी नूपुर ऐसी तो कभी ना थी, है ना गौतम? समझ में नहीं आ रहा पापा, मुझे चैट एप्लीकेशन पे ऐसे मैसेजेस करती है, फ्रेंड स्क्वायर पे अपना स्टेटस अपडेट करती रहती है, लेकिन जब भी उस नंबर पे कॉल करो उठाती नहीं है। इंग्लैंड है इंग्लैंड, नौकर चाकर कोई नहीं, सब खुद करना पड़ता है, सेटल होने में टाइम लगता है। उसे यहाँ से गए लगभग 1 महीना हो गया कल्पना, एक फोन तक नहीं किया उसने, और ना ही हमारा फोन उठाती है। पापा, मैं मम्मी को टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए उनके सामने और कुछ नहीं बोला। लेकिन हम उसे ये भी नहीं बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं। वो घबरा जाएगी और टेंशन बढ़ेगा उनका। पर गौतम, जो मुझे लग रहा है वो तुम्हें भी लग रहा है ना? हाँ पापा, कुछ तो बहुत ही अजीब है, पिछले 1 महीने में एक बार भी नूपुर दीदी ने ना हमसे बात की है ना हमारे फोन उठाए, और ये क्या मैसेजेस भेजे, सिर्फ अपने बारे में ही बोले जा रही है, लंदन ऐसा है लंदन वैसा है। एक बार भी ना मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा ना आपके बारे में। जो उसका पहले मैसेज आया था ना, तभी मुझे अजीब सा लगा था। अरे गौतम, तेरी नूपुर दी इतने साल तक कोलकाता में पढ़ाई के लिए रही, हर दिन फोन करती, सबसे पहले तेरी मम्मी और मेरी तबीयत के बारे में पूछती। तो क्या अब्रॉड जाकर नूपुर दीदी ओवरनाइट इतनी चेंज हो गई? क्या मतलब, वो हम तीनों को भूल गई? क्या पता पापा, वो हमें अपना लंदन का नंबर क्यों नहीं भेज रही? इस रजत को फोन करते हैं, उसका नंबर है। नूपुर दीदी ने मुझे कभी रजत का नंबर दिया ही नहीं, अब इस रजत तक कैसे पहुंचा जाए? फ्रेंड स्क्वायर पे शायद रजत का अकाउंट होगा। हाय रजत, दिस इज गौतम, नूपुर का ब्रदर। तुम दोनों के लंदन के पिक्स बड़े कूल है, लुकिंग ग्रेट। रजत,
क्या तुम मेरी नुपुर दी को हमें फोन करने को कह सकते हो? एक्चुअली लगभग एक महीना हो गया है उसे लंदन गए हुए और अभी तक हमने आवाज़ ही नहीं सुनी उसकी. काइंड ऑफ वरिड. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक्स अ लॉट. हे, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू गौतम. यू नो, नुपुर तो यहाँ फुल ऑन एंजॉय कर रही है. लंदन की लाइफ में ऐसे अडॉप्ट हो गई है जैसे फिश टू वाटर. बाय द वे, कल ही मैंने नुपुर को डांट दिया ये कहते हुए कि तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो यार. मैंने उसे उसके ऑफिस से पिक किया और कहा सीधे मोबाइल शॉप जाते हैं और एक लोकल नंबर लेते हैं तुम्हारे लिए. या बोली और फिर काम पर लग गई. तुम्हारी बहन ऐसी वर्कहोलिक है ब्रो, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता. गौतम, आज तो मैं नुपुर को अपने सामने खड़ी करके तुम लोगों से बात करवाऊंगा, ओके? वैसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो इतनी सुपर बिजी और सुपर एफिशिएंट ऑफिस में ऑलरेडी उसकी प्रोबेशन कट शॉर्ट कर मैनेजमेंट में खींचने की बातें हो रही हैं. इजंट दैट सो कूल? पापा, मुझे नहीं लगता कि अब नुपुर दीदी को हमारी कोई ज़रूरत है. हुआ क्या है हमारी नुपुर को जो इतना बदल गई? ये विदेशी हवा पानी में इतनी ताकत होती है क्या? ताकत है या कमज़ोरी, जो भी है, पर पापा मुझे नहीं लगता कि अब हमें नुपुर दीदी के फ़ोन्स या मैसेजेस का वेट करना चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नुपुर किसी सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन पर काम कर रही है जहाँ उनका ये रूल है कि फैमिली के साथ फोन कन्वर्सेशन नहीं कर सकते? मैसेजेस कर सकती है तो बात क्यों नहीं कर सकती? इसमें कोई लॉजिक नहीं है. और अगर ऐसा कोई क्लॉज होता भी ना तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म तो कर देती. नुपुर दीदी के अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसा कोई क्लॉज था भी नहीं. मैंने और आपने, हम दोनों ने भी तो लेटर पढ़ा. तुम्हारी मम्मी से क्या कहें? मैं जानता हूँ वो सामने से नहीं दिखाती लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता दीमक की तरह खा जा रही. सुनिए जी, मुझे अंदर से लग रहा है नुपुर खतरे में. वो जो मैसेजेस भेज रही है ना, उसमें शायद कोई संदेश है. शायद वो हमसे मदद मांग रही है. ए ना कल्पना ना, वो वहां लंदन में मस्ती भरी हाईफाई जिंदगी जी रही, वही बार बार दिखाती. ना उसने कभी हमारी तबीयत के बारे में पूछा ना कुछ और. मैं उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था. हम उसे रोकते तो नुपुर रुकती नहीं. अब्रॉड में जॉब करना तो उसका सपना था ना. उसकी कंपनी का क्या नाम है, वहां फोन कर सकते हैं ना. मैंने उसके अपॉइंटमेंट लेटर में देखा था क्या नाम था कंपनी का, वो एरोनॉटिक्स. हाँ, जेडी एरोनॉटिक्स. उसके लेटर हेड पे वो फोन नंबर भी था, एड्रेस भी था. अब कई बार फोन किया, कई बार, लेकिन हर बार एक ही वॉइस मैसेज आता, लीव द मैसेज, लीव द मैसेज, लीव द मैसेज. रजत से पूछते हैं ना, गौतम से कहिए ना उसे मैसेज करे. रजत का नंबर भी कहाँ हमारे पास, नहीं है ना हमारे पास नंबर उसका. वो भी तो फ्रेंड्स के ऊपर बात करता है. गौतम ने मैसेज छोड़ा था कि फोन करो, ना कोई मैसेज आया, ना कोई फोन आया, नथिंग, कुछ नहीं. ब्लैक कॉफी, ब्लैक फॉरेस्ट केक, डार्क चॉकलेट, घने जंगल, काली रातें. काला जैसा कोई रंग नहीं है ना, लेकिन कोई चीज है जो ब्लैक को व्हाइट बना सकती है. मम्मी पापा, जल्दी उठिए. क्या? देखिए नुपुर दीदी का मैसेज. चश्मा. पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी नुपुर दीदी ने मैसेज किया. गौतम, मैं घर आ रही हूँ. बहुत बड़ी गलती की मैंने. मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था. मैं वापस आ रही हूँ. बहुत मिस कर रही हूँ आप तीनों को.
फोन लगा बेटा, फोन लगा, इसे फोन लगा। मैंने कहा था ना नुपुर तकलीफ में है। पापा मैं फोन पर फोन किए जा रहा हूँ उसके इंडिया वाले नंबर पर वो फोन उठा ही नहीं रही है। फिर से ट्राई करना। लगा। सेम। एक काम कर, वो तू रजत के फ्रेंड स्क्वायर पर मैसेज भेज, चल फास्ट। रजत, नुपुर दीदी कैसी है? मुझे अभी अभी एक पैनिक भरा मैसेज आया उनका। प्लीज अपने फोन से बात कराओ हमारे नुपुर से, एक बार उससे बात करनी है मेरे पेरेंट्स को, मुझे भी। आई बेग यू प्लीज। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से इस वक्त नहीं लौट सकती। यहाँ कुछ हुआ है, हॉरिबल, भयंकर हुआ है। वो एक्चुअली कल शाम को रजत जब उसके ऑफिस से लौट रहा था तब उस पर किसी ने अटैक कर दिया। मुझे लगता है कि कुछ कुछ सीरियसली बहुत गलत हो रहा है नुपुर दी के साथ। कैसे कांटेक्ट करें उसे? फोन तो उठा नहीं रही। अब कैसे पता चलेगा कि असली माजरा है क्या? सॉरी, आप सबको इतनी टेंशन में डाल दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती कि कितना। नहीं गौतम, आई एम रियली सॉरी। प्लीज समझने की कोशिश करो कि कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम लोगों से इस वक्त शेयर नहीं कर सकती। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, कल शाम को रजत मुझे ऑक्सफोर्ड ले गया। ना ब्यूटीफुल है, मैं बता नहीं सकती। रजत और मुझे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। रजत कितना स्पोर्टिंग आदमी है और कितना सपोर्टिंग भी। अच्छा सुनो, मैं इतनी एक्साइटेड हूं मैं बता नहीं सकती। रजत रांची आ रहा है। या होश उड़ गए ना? वेल, 14 नवंबर को वो रांची आएगा, आप लोगों से मिलेगा, आप लोगों को भी उससे प्यार हो जाएगा। गौतम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ रजत, तुम कैसे हो? गुड, वेरी गुड। अरे प्रणाम अंकल। प्रणाम आंटी। आप लोगों से मिलकर मैं इतना खुश हूँ, बता नहीं सकता। हमारी नुपुर कैसी है? नुपुर बहुत एंजॉय कर रही है, रियली कमाल की लड़की है, वंडरफुल। नुपुर दीदी ने मैसेज किया था कि तुम पर कोई अटैक हुआ था? या लंदन में आजकल मगिंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मगिंग समझते हैं आप लोग ना? गन पॉइंट पर लूट लेते हैं ड्रग एडिक्ट्स। जरा सा भी 19-20 हुआ और बैंग बैंग बैंग। नूपुर पैनिक कर गई। एक्चुअली उसका नेचर ही कुछ ऐसा है शायद। रजत बेटा, ये नूपुर हमसे बात क्यों नहीं करती? क्या उसने एक बार भी बात नहीं की? एक बार भी नहीं रजत, 25 जुलाई को आखिरी बार बात हुई थी जब वो मुंबई में थी और कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही थी तब। नॉट डन, नॉट डन। माना कि आप वर्कहोलिक हैं, करियर सब कुछ है, लेकिन करियर के ऊपर तो फैमिली होनी चाहिए ना। पेरेंट्स, ब्रदर, लाख बार समझाया मैंने इस लड़की को कि प्रायोरिटीज राइट होनी चाहिए। डैम इट, स्विच ऑफ है। 6 दिन से स्विच्ड ऑफ, तब से मैसेजेस भी बंद और फ्रेंड स्क्वायर पे भी कोई रिस्पांस नहीं है। डूड, मुझे बता रहे हो? कई बार तो क्या होता है कि वो घर आती है और एक वर्ड नहीं, सीधे अपने रूम में वर्क वर्क वर्क। फोकस होना तो कोई नुपुर से सीखे आंटी। तुम और वो मतलब एक साथ रहते हो? यस आंटी। आप लोग को
बताया नहीं कभी नूपुर ने? गुड क्वेश्चन, लंदन का नंबर क्यों नहीं लिया? वेल, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकती, सुपर पैकेज मिल रहे हैं टॉप की कंपनी से, और ये टॉप की कंपनी गवर्नमेंट की डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टनर है, सो एम्प्लॉयज को फोन अलाउड नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल कॉल्स। पर चैट मैसेजेस, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, वो अलाउड है? डूड, उनके अपने लॉजिक्स हैं। मैंने उनके कंपनी के लैंडलाइन नंबर पे भी ट्राई किया था, पर वहाँ पर तो वो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन जवाब देती है। मल्टी बिलियन पाउंड्स की कंपनी अंकल, वो भी गवर्नमेंट की, उनके अपने सिक्योरिटी रीजंस हैं। बेस्ट क्या होगा पता है अंकल? आंटी स्पून देंगे, आप लोग ही आ जाइए नूपुर से मिले लंदन, और गौतम तुम्हारी जॉब भी वहीं लगवा देंगे। एब्रॉड सेटल होने का मन है अपनी दीदी की तरह? हाँ, वाई नॉट, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जब नूपुर दीदी इंडिया वाले नंबर से चैट मैसेजेस भेजती है तो फिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठाती? ये बात तुम्हें अपनी दीदी से पूछनी चाहिए। यू नो वॉट, हियर इज द डील, मैं जैसे ही लंदन जाऊँगा सबसे पहले मैं अपने फ़ोन से तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन लगाऊंगा और मैं फ़ोन नूपुर के हाथ में दे दूंगा। इनफ इज इनफ, कोई अपने पेरेंट्स को ऐसे टॉर्चर कैसे कर सकता है? इससे भी बेटर क्या होगा पता है अंकल? मैं अपनी टिकट के साथ आप लोगों की टिकट भी करवा लेता हूं। भाई नूपुर दरवाजा खोलेगी, सामने आप लोग होंगे, सरप्राइज, टन टन। हम ऐसे कैसे? ऐसे वैसे कैसे, कुछ नहीं होता अंकल, दुनिया दुनिया श्रिंक होती जा रही है। आजकल लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टोक्यो में, लंच करते हैं त्रिवेंद्रम में, और डिनर करते हैं टोरंटो में। मैं कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ, आप लोगों के इमिग्रेशन वीज़ास के लिए अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग भी वहीं आ जाओ। यहाँ आने से पहले नूपुर मुझसे कह रही थी कि गौतम को तो मैं यूके सेटल करवा कर ही रहूँगी, बहुत केयर करती है तुम्हारी। यू नो नूपुर का ये ड्रीम है कि आप लोग वहीं सेटल हो जाए, और इसके लिए आप दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वीज़ा, टिकट्स, घर, सब कुछ मैं अरेंज करूँगा। क्यों करूँगा? गुड क्वेश्चन, क्योंकि नूपुर के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? स्कॉटलैंड, एडिनबरा। नूपुर और मैं हर दूसरे वीकेंड पर उनसे मिलने जाते हैं, एक छोटा हॉलीडे भी हो जाता है हम दोनों के लिए, और मेरे पेरेंट्स को नूपुर बहुत पसंद है। मैं 5 सालों से यूके में जॉब कर रहा हूँ, मेरी पहली जॉब एडिनबरा में ही थी, तब मैंने वहाँ अपने मॉम डैड को सेटल कर दिया। एक्चुअली ना मैं अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, फ्रेंकली जैसे नूपुर की दुनिया आप दोनों हैं, वैसे ही मेरी दुनिया है मॉम एंड डैड। बेटा वो तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे करते क्या हैं? इन्जॉय करते हैं, अपनी रिटायर लाइफ इन्जॉय करते हैं, जैसे आप करेंगे। आई टेल यू, मेरे फादर चंद्रकांत वर्मा जोधपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, और मेरी मॉम रागिनी वर्मा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। हम लोग जोधपुर के ही हैं। बेटा तुम्हारे भाई बहन? कोई नहीं, मैं इकलौता हूँ, वन एंड ओनली सन। अच्छा बेटा वो गौतम बता रहा था कि तुम्हारी और नूपुर की दोस्ती 4 साल पुरानी। दैट्स राइट अंकल, पहले हम लोग फ्रेंड्स बने और फिर बेस्ट फ्रेंड्स। शादी का कोई इरादा है? नहीं, जब तक कि आप और मेरे पेरेंट्स हमें अपनी ब्लेसिंग्स ना दें। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, बस नूपुर खुश रहे। नूपुर को खुश करने का ही तो प्लान ही है। 4 दिन आप लोगों के साथ इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता। हमें भी थोड़ा आराम मिला बेटा, नूपुर को लेके बहुत परेशान थे हम लोग। अब 21st को लैंड हो रहे हैं, राइट? दैट्स राइट। तो 21st को ही हम नूपुर दी से बात करने की उम्मीद रख सकते हैं? रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो यार, फतवा जारी करो, मैं ये फतवा नूपुर को पढ़वाऊंगा और जबरदस्ती बैठाकर तुम्हारी बात करवाऊंगा उससे। चिल बहन, तुम्हारी बात नूपुर से हो जाएगी, हमारे पास तो मेरे दोनों नंबर है ना, मेरा यूके वाला नंबर और मेरा इंडिया का इंटरनेशनल रोमिंग नंबर। अगर मैं फ़ोन नहीं कर पाया तो तुम मुझे कॉल कर लेना, और हाँ अपना रेज्यूमे मुझे मेल करना मत भूलना, मैं अपने कंपनी के HR से बात करूंगा तुम्हारे लिए।
थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ रजत मिलने आ गया। नूपुर अगर आ जाती तो बेस्ट होता। कोई नहीं, 21 को तो बात होगी ना। तो पापा, यूके सेटल होने के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटा, अगर तू भी वही सेटल हो जाएगा तो हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? सुनिए जी, हम भी वही रहेंगे। हाँ, एक बार पहले नूपुर से तो बात हो जाए। रजत, इट्स गौतम हियर। दिस इज माय थर्ड मैसेज यार। आई रियली वांट टू टॉक टू नूपुर दी, प्लीज कॉल बैक। रजत, ये चौथा मैसेज है। तुम्हारे दोनों नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, पर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो रजत? नूपुर से बात क्यों नहीं करा रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था और मैंने तुम्हें ईमेल भेजा, बाउंस बैक हुआ। हो क्या रहा है? पापा, अब तो सारी लिमिट्स क्रॉस हुई। 5 महीने हो गए, नूपुर दीदी ने एक बार भी हमसे बात नहीं की। अब तो दीदी का इंडिया वाला नंबर भी स्विच ऑफ है, और वो रजत, वो तो हमारे कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रहा। ये नूपुर और रजत का फ्रेंड स्क्वायर भी बंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं पापा, दोनों अपने अपने पेजेस पर काफी एक्टिव है, सिर्फ मेरे मैसेजेस को इग्नोर किए जा रहे हैं। पापा, अब तो कोई सीरियस एक्शन लेनी चाहिए। क्या एक्शन ले बेटा? कहते हुए बुरा महसूस हो रहा है, या तो हमारे सिक्का खोटा लग रहा है। बेटा, तू रजत के फोन पे फिर से कॉल करके देखना, शायद बिजी रहा हो। और हम तो 24 घंटे खाली बैठे ना। मम्मी, बड़ी बहन है मेरी, आपकी इकलौती बेटी है, रजत होने वाला दामाद, इमीडिएट फैमिली के लिए 2 मिनट नहीं है आपके पास? कोई इतना भी बिजी नहीं होता मम्मी। पापा, अब सीरियसली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो रजत, रजत मैं इतने दिनों से तुम्हारे दोनों नंबर पर कॉल किए जा रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? Who is this? रजत, मैं गौतम बोल रहा हूँ। गौतम? Who? कौन गौतम? गौतम, गौतम साहा, नूपुर का छोटा भाई। नूपुर? कौन नूपुर? What nonsense is this यार? रजत, रजत मेरी बहन कहाँ है? तुम नशे में हो क्या? अबे साले, मैं नशे में हूँ कि नहीं हूँ ये पूछने वाला तू कौन होता है? देखो रजत, तुम लंदन पहुँचते ही नूपुर दीदी की हमसे बात करवाने वाले थे। मैं क्या नूपुर का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ क्या? अबे तेल लगाने गई होगी। मिस्टर रजत वर्मा, वेयर इज माय सिस्टर? देहाती कुत्ते, तू क्या इंग्लिश बोल के मेरे को डरा रहा है क्या? मैं क्या तेरी बहन का नौकर हूँ? लंदन में है ना वो, लंदन फोन लगा। इधर जोधपुर में फोन क्यों लगा रहा है? देख, नशे की माँ बहन मत कर, नहीं तो फोन में घुस के ना तेरे दांत तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा साला। हेलो रजत, रजत, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ये आदमी फ्रॉड है, एक तो नशे में बात कर रहा था, ऊपर से गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और तो और वो लंदन में है नहीं, यहाँ जोधपुर में। क्या मतलब? हमारी नूपुर लंदन में अकेली है? सुनिए, गुस्सा काबू में रखना, रजत के साथ झगड़ना नहीं, हमें बस नूपुर की सलामती चाहिए। अब नूपुर की सलामती के अलावा रखा क्या हमारी लाइफ? चलते हैं। अभी रजत वर्मा की यूके और इंडिया के दोनों नंबर अनरीचेबल है। कोई एड्रेस? जी नहीं सर, लेकिन जब मेरी एक बार उससे बात हुई तो उसने कहा कि वो जोधपुर में, हालांकि उसे होना चाहिए था लंदन में मेरी सिस्टर के साथ। सर, इस रजत ने ही हमारी नूपुर को लंदन में जॉब पर लगवाया था। आपकी बहन ने कभी कोई इंडिकेशन दिया था कि वो किसी किस्म की तकलीफ में है? जी डायरेक्टली तो नहीं सर, लेकिन हमें लग रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है। सर, जब ये रजत वर्मा रांची हमारे घर पर आया था, तब उसने बताया था कि उसके फादर चंद्रकांत वर्मा यहाँ के
टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। उसकी मदर और मेरी मॉम रागिनी वर्मा वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिटायर हुई। ठीक है प्रणब जी, हम हमारी टीम में से एक ऑफिसर इस मैटर में डिप्यूट कर देते हैं, इस रजत वर्मा को ट्रेस करते हैं। तो रजत ने जो अपने पेरेंट्स की डिटेल्स दी थी सही है? जी साहब जी, चंद्रकांत वर्मा 2010 में पर्यटन विभाग से रिटायर हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट, और उनकी मिसेज रागिनी वर्मा समाज कल्याण विभाग से रिटायर हुई 2011 में। रागिनी भवन 4 श्रद्धा कॉलोनी एयरपोर्ट रोड। रजत वर्मा ने अपने फादर चंद्रकांत और मदर रागिनी के डिटेल सही दिए थे, वहीं से एड्रेस मिला। चलिए चलकर देखते हैं ये रजत वर्मा वहाँ है भी या नहीं। सर, घर चेक करने के बाद मैंने कुछ पड़ोसियों से बातचीत की, उनका भी कहना है कि एक अरसे से घर पर ताला लगा हुआ है, उन्होंने इस रजत को यहाँ देखा ही नहीं। गौतम, ये ऐसा तो नहीं जब तुमने रजत को फ़ोन किया था तब उसने नशे में कह दिया हो कि वो जोधपुर में है और तुम्हारी बहन लंदन में, तब शायद वो यहाँ था ही नहीं। सर ऑनेस्टली हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहा है, हमारी चिंता बस मेरी बहन नूपुर को लेकर है। सर 5 महीने हो गए उसे लंदन गए हुए, अभी तक एक बार भी फ़ोन पर बात नहीं हुई है उससे, सिर्फ मैसेजेस। हमारी बेटी किसी मुसीबत में, हमें शक है इस रजत का कोई हाथ है इसमें, बड़ा अजीब सा आदमी लगता है वो। आप ही सजेस्ट कीजिए रजत के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए हमें। ये तस्वीर आपने हमें दिखाई, डेट देखिए अपडेट की 3 दिसंबर, आप भी पढ़ सकते हैं स्टेटस क्या कहता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी नूपुर से अलग नहीं कर सकती, #एक जान है हम। अब जरा कमेंट सेक्शन पर गौर कीजिए, ये अनिल, शालिनी, मुकेश, जिन्होंने सारे कमेंट्स किए हैं, कौन है ये लोग? नूपुर के दोस्त हैं इनमें से कोई? सर नूपुर दी की एजुकेशन कोलकाता से हुई, लास्ट उसने MBA वहीं से किया था, तो सारे दोस्त उसके वही है। उनमें से कुछ दोस्तों को मैं जानता भी हूँ, उनसे बात भी की मैंने, उन्होंने भी फ्रेंड स्क्वायर पर नूपुर दी की ये पोस्ट देखे, लेकिन इनमें से कोई भी कमेंट उनके नहीं है सर। और हमारी तरह उन्होंने भी पिछले 5 महीने से नूपुर दी से कोई बात नहीं की है। सर हमारी बेटी जरूर किसी मुसीबत में। सर आपकी बेटी के 5 महीने से मैसेज आ रहे हैं आपको, जिसमें लगभग एक ही बात सामने आ रही है कि वो लंदन में रजत के साथ खुश है, फ्रेंड स्क्वायर भी यही कहता है। तो फिर इस रजत के खिलाफ किडनैपिंग का केस कैसे ठोक सकता हूँ मैं? रजत ने हमसे झूठ बोला है सर, उसने कहा था कि वो 21 को लंदन जा रहा है और नूपुर दीदी से हमारी बात करवाएगा, लेकिन उसके बाद लगभग 10-12 दिन तक उसने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया, और जब फाइनली उठाया तो वो नशे में था और बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। अब इसके लिए तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना उसे, और रही बात झूठ बोलने की, तो वो कह सकता है कि लंदन गया नहीं, काम आ गया, रुक गया, और चलो हमने उसे ट्रेस कर भी लिया तो चार्जेस क्या लगाए? आपकी बेटी बालिग है, लंदन जॉब पर गई अपनी मर्जी से, रजत अगर यहाँ है तो भी केस नहीं बनता सर जी। अभी तक नहीं मम्मी, हम रोज इस रजत के घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन घर लॉक है। फोन ट्राई किया? हर घंटे में एक बार फोन डायल कर रहा हूँ मम्मी। कभी कभार रजत के इंडिया वाले फोन पर रिंग जाती है तो कोई उठाता नहीं है, और उसका UK वाला नंबर और नूपुर दीदी का फोन तो स्विच्ड ऑफ ही आ रहा है। सारी गलती हमारी है, हमने नूपुर को वहां ऐसे अकेले कैसे जाने दिया? क्यों, कौन सी पट्टी बंधी थी हमारे आंखों पर? हमने उसकी कंपनी के बारे में भी कुछ ज्यादा पता नहीं किया, बस अपॉइंटमेंट लेटर देख के खुश हो गए। उसका वीजा मुंबई में स्टैंप होने वाला था, वो भी नहीं देख पाए। 5 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, रोज आ जाते हैं मूर्खों की तरह। पापा यहाँ की पुलिस का अपना पॉइंट तो है, हमें ना लौट कर अपनी रांची पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आप दिसंबर में जोधपुर गए थे, अब फरवरी है, ये 2 महीने तक इंतजार करने का कोई खास विशेष कारण? दीदी का फ्रेंड स्क्वायर पेज रोज अपडेट हो रहा है, हैप्पी हैप्पी वाले पोस्ट,
और जोधपुर पुलिस भी यही कह रही थी कि अबडक्शन वाला केस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो हम लोग भी आगे पीछे होते रहे और ऐसे में 2 महीने और निकल गए सर। सोशल मीडिया मैनिपुलेटिव मीडिया है, इसका बेस सच नहीं है बल्कि सोचा हुआ सच है। जब नूपुर का फोन नहीं आया लंदन से और आपके कहने के मुताबिक उसके जो भी मैसेजेस आते थे वो इतने अजीब थे कि आपको लगता था कि वो आपकी बेटी के हो ही नहीं सकते, तब क्यों नहीं आए थे मेरे पास? आज हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कितनी एक्टिव है ओवरसीज इंडियंस को हेल्प करने में। तुम्हारी सिस्टर को तुरंत कॉन्टेक्ट किया जा सकता था, अगर वो वहां पर कोई तकलीफ में है तो उसकी तुरंत मदद की जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर उसे यहाँ वापस भी लाया जा सकता था। हमारी बिटिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। सच कहें तो ये रजत से बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत ही चिकना चुपड़ा से लड़का है वो। तो निकालते हैं उसकी चिकनाई, आप फिक्र ना करें, आप देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं हमारे पास। सर, जेटी एरोनॉटिक्स नाम की कंपनी के एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना यूके में और ना इस दुनिया में। अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन फोन नंबर्स भी नॉट रीचेबल है। सर, रजत वर्मा का जो यूके वाला नंबर है उसकी डिटेल्स तो हम नहीं निकलवा पाए, पर उसका इंडिया वाला नंबर 444567898 ये पिछले 7 महीने से जोधपुर में एक्टिव है। आप लोगों की रजत के यूके वाले नंबर पर कभी बात नहीं? नहीं सर, रजत से सिर्फ आज तक एक ही बार बात हुई, वो भी उसके इंडिया वाले नंबर पे। मिस्टर साहब, कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है जिसमें रजत वर्मा शामिल है और आपकी बेटी खतरे में, या फिर आपकी बेटी रजत वर्मा के साथ शामिल है और इसमें भी वो खतरे में। सर, मेरी बहन कोई भी इलीगल काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती। सर, हम हमारी बेटी को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। सॉरी टू से सर, हर क्रिमिनल या तो किसी का बेटा होता है या बेटी, और 10 में से 9 केसेस में माँ बाप उसे इनोसेंट ही कहते हैं। पिछले 7 महीने से आपकी अपनी बेटी नूपुर से फोन पर कोई बात नहीं हुई। मानता हूं अजीब हरकत है, गलती हमारी भी, हमें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन सर मैं फिर भी कहूंगा हमारी नूपुर कुछ गलत काम नहीं कर सकती। गौतम, तुम्हें अभी तक जितने भी मैसेजेस आए वो नूपुर के रांची में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आए, राइट? जी। नूपुर के सेलफोन की लोकेशन के हिसाब से 23 जुलाई यानी जिस दिन उसने रांची छोड़ा था से लेकर 29 जुलाई तक वो मुंबई में थी, या फिर कम से कम उसका सेलफोन तो मुंबई में था। ये इम्पॉसिबल है मैडम, 27 जुलाई की मॉर्निंग को नूपुर दी की फ्लाइट थी लंदन के लिए, फिर परसों 27 को डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट। नूपुर के नंबर से जो मैसेज आया आप लोगों को वो सारे के सारे जोधपुर टावर से है, और लास्ट मैसेज आया था नवंबर 2016। पर जो पिक्चर्स हमने फ्रेंड स्क्वायर पे देखे थे उनका क्या? वो तो लंदन के ही थे। गौतम, मिस्टर साहब, बहुत गहराई तक खोदना पड़ेगा तब जाकर इन सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि मुझे एक बड़े जुर्म की जबरदस्त बू आ रही है। इंडिया वाला नंबर रिंग तो हो रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। ट्राई करते रहो, शायद उठाए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं संगीता बोल रही हूँ आयर एंड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से। हमारी कंपनी ने एक नया ऑलराउंड प्रोटेक्शन प्लान निकाला है, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं आपको समझा दूं। मैडम, आपने मुझे डफर समझाया क्या? मैं पुलिस वालों की आवाज ना उनके फोन पर सांस लेने से भी पहचान सकता हूँ। ऑलराउंड प्रोटेक्शन किसी और इडियट को ऑफर करना, ओके?
रजत वर्मा, नुपुर साहा कहाँ है? ओ, बॉस भी है स्पीकर फोन पर। कंधे में 3 स्टार क्या लग गए? सीना बड़ा चौड़ा हो रहा है आपका। नुपुर की फैमिली काफी परेशान है, तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त नुपुर कहाँ है। बहन वो उस गौतम की, बेटी वो उस बुढ़े साहा की, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के पेपर कौन सॉल्व कर रहा है? नुपुर तुम्हारे साथ लंदन गई थी, इस वक्त कहाँ है? हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ है। खुश, फोन कट करूं? तुम दोनों इस वक्त जोधपुर में हो? वहाँ रहे मेरे शार्लॉक होम्स के पोते, मुझे बातों में उलझाकर मेरा फोन ट्रेस करने की कोशिश करो तुम लोग। बता भैया मैं कौन हूँ? रजत तुम कौन हो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये बता दो कि नुपुर इस वक्त कहाँ है। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरी प्राइवेसी को इन्वेट किया है ना, इसकी शिकायत मैं स्टेट होम मिनिस्टर को करने वाला हूँ अगले 3 मिनट में। और उसके 3 मिनट के बाद तुम्हारा और वो ऑल राउंड इंश्योरेंस मैडम का ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारे टेबल पर होगा। गलत आदमी से पंगा ले लिया तुम लोगों ने, अब तुम्हारी इतनी बुरी लगेगी ना मैं बता नहीं सकता। ये रजत वर्मा है क्या चीज? इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या? कोई आइडिया नहीं। विना, इस रजत वर्मा की पूरी पास हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री डिटेल में चेक करो। नुपुर का यूके एम्बेसी से वीजा टाइप पता करो। सारे एयरपोर्ट्स, एयरलाइन लॉक्स चेक करो। राइट सर। प्रकाश, तुम जोधपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करो, मैं एसपी साहब से सारी परमिशन अरेंज करवाता हूँ। सर। मिस्टर साहब, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। वैसे ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई भी चीज व्हाइट या ब्लैक नहीं होती, सिर्फ रोशनी की मेहरबानी, बस और कुछ नहीं। फ्रेंकली सर, रजत वर्मा तो अजीब और स्ट्रेंज लगता ही है, लेकिन नुपुर की फैमिली भी अजीब नहीं है। बेटी यूके में जॉब पर है और इन्हें कुछ भी नहीं पता। लास्ट मिनट पर वीजा, नवा का ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं। चलो ध्यान नहीं दिया, मे बी लड़की सीक्रेटिव थी, लेकिन वो मैसेजेस इंडियन नंबर से करती पर फोन नहीं उठाती, फिर भी पूरे 7 महीने तक बैठे रहे। ये 7 महीनों का डिले इस केस का सबसे बड़ा हैंडीकैप था। जब हम इस केस में एंटर हुए तो जुर्म एक अलग ही पड़ाव पर था, एंड ट्रस्ट मी, जो हमने इस केस में एनकाउंटर किया और जो सच हमारे सामने आया वो एब्सोल्युटली शॉकिंग था, विचित्र, विकृत, कोई एक शब्द नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक सच नहीं था, बल्कि और सच्चाइयां भी सामने आने बाकी थे जो गारंटीड रोंगटे खड़े कर देंगे। नहीं मैडम, हमने जुलाई 2016 और उसके 3 महीने पहले तक के रिकॉर्ड चेक किए हैं। लेकिन नुपुर के पेरेंट्स के मुताबिक वो 27 जुलाई 2016 को लंदन गई है। As I said, मैडम, हमारे रिकॉर्ड्स में रांची की किसी भी नुपुर साहा को यूके वर्क वीजा या ट्रैवल वीजा इश्यू नहीं किया गया है। और मैडम, बिना वीजा के कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है? राइट, थैंक यू। प्रणब जी, नुपुर कभी लंदन गई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। पर पापा, नुपुर दी ने मुझे क्लियरली बताया था कि वो 27 जुलाई को लंदन की फ्लाइट लेने वाली थी, फिर परसों 27 को डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट। शायद वो झूठ बोल रही हो। ऐसा क्यों करेगी वो? झूठ झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है उस वक्त उससे झूठ बोला गया। सच का पता तो तभी लगेगा जब हम इस रजत वर्मा का इंटरोगेशन करेंगे। और हाँ, एक बात और, 23 जुलाई को नुपुर की रजत से बात हुई थी उसके यूके वाले नंबर पर। हे नुपुर, व्हाट्सएप।
हे रजत, मैं मुंबई पहुंच गई हूँ अपने होटल में, तुम कहाँ हो? लिसन यार, मैं मुंबई नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम आ गया है। व्हाट रजत, कल लेकिन हमारी मीटिंग है ना कंपनी के इंडियन हेड से, और फिर वीजा फॉर्मेलिटीज भी तो पूरी करनी है। सब हो जाएगा, बस थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। रजत, लेकिन मेरा 27 का लंदन का टिकट है ना? हमारे टिकट्स बेबी, हमारे टिकट्स। मैं एक दो दिन में आ जाऊंगा, फिर उसके बाद एक दिन कंपनी हेड से मीटिंग, वीजा स्टैंपिंग, और फिर 27 को टेक ऑफ। लेकिन तुम लेट क्यों हो रजत? तुम्हें तो मालूम है बेबी, मेरा काम कितना कॉन्फिडेंशियल है। गवर्नमेंट का टॉप कंसाइनमेंट डिलीवर करना है, और डेडलाइन ऐसी है कि मैं बता ही नहीं सकता। बाय बाय। नूपुर की बात रजत के यूके नंबर पर फिर से हुई 28 जुलाई को। 29 जुलाई के बाद से उसके फोन की लोकेशन जोधपुर ही रही है। इतने दिन जोधपुर में थी, तो हमसे झूठ क्यों बोल रही थी? नहीं, नूपुर ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, नूपुर दीदी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये सारा किया करा है उस रजत वर्मा का है। पर क्यों? आखिर वो चाहता क्या हमारी बेटी से? हाँ, डबल चेक किया है, ये रजत वर्मा पिछले 6 महीने से यूके गया ही नहीं है। इस रजत वर्मा को हमें जल्द से जल्द कस्टडी में लेना होगा, और ये रजत वर्मा बिल्कुल तुम्हारी नाक के नीचे है। सॉरी सर, गलती हो गई, पहले हमने इस केस को थोड़ा लाइटली लिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। पिछली बार जब हम आए थे तब ताला लगा हुआ था। अंदर ही होगा, शायद वो जानता है हम हैं। रजत, रजत वर्मा, रजत, रजत वर्मा, रजत। सर, उस तरफ की खिड़की से फोन की आवाज आ रही है, लगता है उस रूम में। दरवाजा तोड़ देते हैं सर। में खड़ा है, आपने रिमोट जैसा पकड़ा है। रिमोट? रुको रुको, किधर? इधर सर।
रिमोट किसी बॉम्ब का है। सर अगर हम अंदर जाते हैं तो कहीं ये बॉम्ब को एक्सप्लोड ना कर दे, वैसे भी बहुत सनकी आदमी है। रजत 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 दरवाजा खोलो, हमें सिर्फ तुमसे बात करनी है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम तो वही ऑफिसर हो ना, तुम्हारी बदबू सूंघ सकता हूँ। मेरी राय मानो ना तो एक काम करो, तुम लंबी छुट्टी की तैयारी करो। मेरी बात होम मिनिस्टर से हो चुकी है, तुम्हारा ट्रांसफर लेटर डिस्पैच हो चुका है, रांची लौट जाओ और लेटर का वेट करो। रजत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रजत। सर आप इससे बातों में उलझा के रखिए, कोई तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगा, हमें बस नूपुर को ढूंढना है। नहीं नहीं 5 मिनट में कारपेंटर चाहिए यहाँ, 1 सेकंड लेट नहीं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। बंदूक उठाओगे, शूट करोगे मुझे। नूपुर कहाँ है? लंदन हुआ है, ढूंढा वहां, वही कहीं होनी चाहिए। नहीं नूपुर लंदन में नहीं, कहाँ है वो? तुम दोनों क्या गेम खेल रहे हो? हम दोनों गेम, इंटरेस्टिंग, जरा डिटेल में बताएंगे आप? अंदर से नूपुर को बुलाओ, हमें तुम दोनों से साथ में बात करनी है। नूपुर कहीं दिख रही है? नूपुर आपको? मुझे तो नहीं दिख रही। रजत नूपुर लंदन में इसलिए नहीं है क्योंकि वो लंदन कभी लैंड ही नहीं, वो यही है जोधपुर में, तुम उसे यहां लेकर आए। ओहो पता चल गया आपको। 28 जुलाई 2016 को भी उसकी तुम्हारे साथ बात हुई, तुम्हारे यूके वाले नंबर पर, उस वक्त तुम यूके में नहीं यहीं पर थे। तुम नूपुर को यहां लेकर आए रजत? गलत गलत डिटेल्स है आपके पास, मैं उसे यहां लेकर नहीं आया। अब नूपुर कोई रुमाल तो है नहीं कि ऐसे 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 फोल्ड किया और जेब में रख लिया और चल दिया, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई। What nonsense is this, रजत? मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मैं 27th को लंदन की फ्लाइट लेने वाली हूँ और आज 28th है। Where are you? गहरी सांस लो बेबी, calm down, calm down। तुमने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया था ना, मुझे इस वक्त यूके में होना चाहिए था, तुम्हें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी और मैं अभी भी मुंबई में हूँ। बेबी होटल रूम प्रिपेयर्ड है, चिल करो, मैं 10 मिनट में तुम्हें जोधपुर की टिकट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके? जोधपुर? हाँ जोधपुर, जोधपुर में मेरा घर है, मैं तुम्हें एड्रेस भी फॉरवर्ड करूँगा। दरवाजे के पास गमला है, गमले के नीचे चाबी है, तुम दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाना, सब कुछ रेडी मिलेगा। रिलैक्स बेबी, मैं 3 तारीख को इंडिया आ रहा हूँ। आर यू किडिंग रजत? नो बेबी, अरे जोधपुर में मेरे सुपर कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं वहीं बैठकर सारे लूज एंड फिक्स कर दूंगा। पर मेरा इंटरव्यू तो मुंबई में होने वाला था ना? मैंने बाईपास कर दिया, अब तुम सीधा 1st week of August को जॉब ज्वाइन करोगे। और यहाँ मैंने यूके में एक फ्लैट भी देख लिया है बेबी, थेम्स रिवर के किनारे। तुम्हारे बेडरूम का व्यू इतना ब्यूटीफुल है मैं बता नहीं सकता। मैं उसे लेके आया, वो खुद आई। रजत इस वक्त नूपुर कहाँ है? देखो रजत हम तुम पर कोई, रजत मेरी बात समझने की कोशिश करो, देखो हम तुम पर कोई चार्ज नहीं लगाना चाहते, हम बस ये जानना चाहते हैं कि नूपुर कहाँ है, वो अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से छुप रही है या फिर तुमने उसे छुपाया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सरेंडर कर दो, अभी तुम जवान हो, क्यों बेवक्त अपने आप को मारना चाहते? मैं तो खुद को मारूंगा। रजत रिमोट नीचे रखो, देखो हम तुम पर फायर नहीं करना चाहते। ना ना फायर फायर दाग दो गोलियां, आई डोंट माइंड, लेकिन फिर नूपुर वो कहाँ है? रजत रिमोट ड्रॉप करो वरना तुम पर गोली चला दूंगा। क्यों गोली चला दोगे? रिमोट नीचे रखो। यार ये टीवी का रिमोट है, इससे प्रॉब्लम क्या है? नीचे रखो रिमोट, रिमोट नीचे, नीचे चलो देखो
क्या प्रॉब्लम? नीचे 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 रिमोट नीचे। अरे कितनी है आप लोगों की, रख दूं नीचे? रख दूं? अच्छा ठीक है। हाथ ऊपर। करने वाला था मैं। My favorite T-shirt, Bond Street से ली थी, आपने फाड़ दी। Let me tell you, sir, ये ना इंसाफी है, wrong है। लेकर जाओ इसे। अबे ये मेरी लकी T-shirt थी, इसको पहन के आज तक मैंने जो भी काम किया खराब नहीं हुआ। ये तो गैजेट में लगता है, ये आदमी कुछ और ही है। उतारो इन्हें। लगता है नूपुर के कपड़े। सर, नूपुर का पासपोर्ट और फोल्डर। ब्लैंक पासपोर्ट। इस बात की कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है कि नूपुर इंडिया से बाहर गई नहीं। सर ये देखिए, ये फर्जी कंपनी भी लगता है इस रजत ने बनाई है। नितिन, रजत के मां बाप चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा को ट्रेस करने की कोशिश करें। रजत की दिमागी हालत के बारे में ये लोग ज्यादा बता पाए। ये तो नूपुर दीदी के बैग्स हैं। कहाँ है हमारी बेटी? साहजी अभी सर्च जारी है। ये दो बैग्स, नूपुर का पासपोर्ट और उसके कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स हमें रजत के घर से मिले हैं जोधपुर में। उसी रागिनी भवन एड्रेस पर? जी, लेकिन रजत ने अभी तक नूपुर के बारे में कुछ बताया नहीं है। मैं अभी जोधपुर के लिए निकल रही हूँ। हमें लगता है कि रजत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैडम प्लीज, हम भी चलेंगे आपके साथ। लगता है नूपुर दीदी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। नूपुर कहाँ है? मुझे मेरा चार्जर चाहिए। बिना फोन के चार्जर का क्या करेगा? चबाकर खाना है? नहीं, पी जाऊंगा। मुझे एक कप ब्लैक कॉफी चाहिए। बिना ब्लैक कॉफी के ना मेरा ब्रेन चार्ज नहीं होता है, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि एक कप, एक पॉट भर के ब्लैक कॉफी चाहिए मुझे। ना तो एक कॉफी शॉप है और ना ही होटल का रूम। बेटा तू इस वक्त एक हॉट सीट पर बैठा है और तुझे अंदाजा नहीं है कि कितना हॉट होने वाला है। आपको लगता है मुझे नहीं पता है? मुझे सब पता है। और अगर आपको जानना है ना जो मुझे पता है, तो पहले ब्लैक कॉफी। चंद्रकांत वर्मा रिटायरमेंट के बाद कहां सेटल हुए? उनकी डिटेल्स मिल सकती है? सर उनकी पेंशन तो हमेशा उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है और उनका एड्रेस भी वही पुराना वाला है, रागिनी भवन। हमारे रिकॉर्ड्स में ना तो उनका कोई स्कॉटलैंड वाला एड्रेस है और ना ही कोई फोन नंबर, जैसा आप बता रहे हैं। कब रिटायर हुए थे चंद्रकांत वर्मा? 2010 में सर जी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी उन्होंने। सर मुझे रजत के सभी लैपटॉप्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के अंदर तक जाना होगा, तभी पता चलेगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। 5-5 लैपटॉप्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स, राउटर्स, 3 कमर्शियल इंटरनेट स्पीड केबल्स, ये बंदा करता क्या होगा? सर इसके लैपटॉप्स मलेशिया के ग्रे मार्केट से लिए गए और वो भी असेंबल्ड। उसके अलावा इसकी हार्ड ड्राइव सिंगापुर से हैं और मुझे इसके साथ साथ 3 इंटरनेट टेलीफोनी कार्ड्स मिले हैं जो कि यूके से हैं। सर ये सारे के सारे साइंस एक टॉप क्लास हैकर के हैं। या तो ये किसी हैकिंग कार्टल का हिस्सा हो सकता है या फिर एक सोलो प्लेयर। ठीक है।
डॉक्टर क्या ये नॉर्मल है? मैंने कुछ बेसिक टेस्ट किया है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। पैरामीटर्स तो सारे नॉर्मल रेंज के ही लग रहे हैं, पर हाँ हाइपर एक्टिव ब्रेन तो है। वो पूरी रात सोया नहीं, उसके ऊपर ब्लैक कॉफी की स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। मुझे उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स देनी पड़ी। डॉक्टर एक जवान लड़की रांची से मिसिंग है, सिर्फ ये जानता है वो कहाँ, और इसे बुलवाना मुश्किल हो रहा है। एक वार्निंग देता हूँ इंस्पेक्टर, नो थर्ड डिग्री। वायलेंस से वो इंटरनली शट डाउन हो सकता है, फिर आपके हाथ में दो प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, नो इन्फॉर्मेशन एंड एन इंजर्ड सस्पेक्ट। फिर क्या करें डॉक्टर, बुलवाना तो पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर से ट्रूथ सीरम टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार रागिनी वर्मा 2011 में रिटायर हुई और उसके बाद से ही उनकी पेंशन बराबर नेशनल पीपल बैंक में उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। हम इस रजत वर्मा के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कह रहा है कि वो लोग स्कॉटलैंड में सेटल हो चुके हैं, पर ना वहां का नंबर दे रहा है और ना ही एड्रेस। अब हमें पता नहीं कि ये सच बोल रहा है या झूठ। क्या कोई और है जिसे हम? कनिका चौधरी, रागिनी जी की छोटी बहन। कांटेक्ट नंबर है, आप जानती हैं उन्हें? नितिन जी आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं निकलवाती हूँ नंबर कहीं से उनका। जी हाँ, मिस्टर चंद्रकांत वर्मा और मिसेस रागिनी वर्मा, इन दोनों के अकाउंट्स हमारे ही ब्रांच में हैं। आपके रिकॉर्ड में उनके स्कॉटलैंड का कोई एड्रेस या फोन नंबर है? आई मीन उनके अकाउंट ऑपरेट कहाँ से और कैसे होते हैं? एक सेकेंड। अप्रैल 2012 में इनके बेटे रजत वर्मा ने चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा की एक लेटर सबमिट की थी, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये दोनों एडिनबरा में सेटल हो गए हैं और इनके अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी इनके बेटे रजत वर्मा को दी जाए। और इस बात को कंफर्म करने के लिए इंडियन एम्बेसी ऑफ यूके का एक एफिडेविट भी अटैच किया गया था। क्या आप मुझे वो दोनों लेटर और इंडियन एम्बेसी ऑफ यूके के एफिडेविट की कॉपी दे सकते हैं? बिल्कुल। जॉर्डन, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, सारे वीजा स्टैम्प्स असली हैं। आप एम्बेसी वाले से पूछ लो। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ वही सवाल, नूपुर कहाँ है? अच्छा आपने याद दिला दिया, हमने टॉपिक कहाँ छोड़ा था? ब्लैक कॉफी के साथ थोड़ा रिकैप मिलेगा। तूने कहा कि नूपुर यहाँ अपनी मर्जी से आई जोधपुर, फिर क्या हुआ? फिर हुआ था कुछ, क्या हुआ था? रजत तुम यहाँ कैसे? तुम तो लंदन में थे ना? बेबी तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, फ्लाइटली तुमसे पहले वाली और आ गया। आओ अंदर आओ। मुझे कॉफी नहीं चाहिए रजत, मुझे मेरा जवाब चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम यूके में हो किसी कॉन्फिडेंशियल मिशन पर, और तुम यहाँ जोधपुर में कॉफी बना रहे हो। मेरी तरफ देखो रजत, कहीं तुम मुझे तो नहीं बना रहे हो? कोई जॉब है ही नहीं यूके में, राइट? नूपुर ऐसा हाइपर बिहेव नहीं करते बेबी, कॉफी पीते, मैं सब बताता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना रजत? नूपुर कभी कभी ना मैं उससे बहुत थक जाता हूँ। क्या मतलब? कॉफी पीते हैं। आपने कभी कोई फेयरनेस क्रीम ट्राई की है? रजत नूपुर कहाँ है? मुझे लगता है कि आपने जरूर ट्राई की होगी। कौन सा ब्रांड बोलिए ना। देख मेरे पेशेंस को मत आजमा। सर पेशेंस में मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए, 2011 से लेकर 2012 तक। हाँ 2012 में ही हुआ था। 2012 रवि का ब्रेकअप हुआ था। कौन रवि और ये ब्रेकअप क्या है? सीधे सीधे बोल नूपुर कहाँ है। सर मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ और आप है कि जल्दी 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 कर रहे हैं। 2012 में रवि का नूपुर से ब्रेकअप हुआ था। हाँ 2012 ही था वो। ये रवि की बकवास करना बंद कर और बोल नूपुर कहाँ है। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं सर, मैं जवाबों की गोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि बार बार मुझे ब्लॉक कर देते हैं। मेरे और नूपुर के बीच क्या हुआ था जाने बिना आप सीधा स्टोरी का क्लाइमेक्स जानना चाहते हैं कि नूपुर कहाँ है, नूपुर कहाँ है। ओके फाइन, तुम्हारा अफेयर हुआ, आगे? अफेयर नहीं, लव,
अफेयर में ना क्या सर, सिर्फ सेक्स होता है, वो भी दुनिया के पीठ पीछे, लेकिन लव में सर बहुत कुछ होता है। क्या है तुम्हारी ये लव स्टोरी, कैसे मिले? फ्रेंड स्क्वायर पर नुपुर मुझे बहुत पसंद करती थी। एक्चुअली कोई भी मुझे नापसंद नहीं कर सकता, हालांकि मेरा फेस ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से मेरी इनर ब्यूटी को पहचान ले, लेकिन नुपुर ने पहचान लिया, मुझसे प्यार करने लगी। फिर हम फ्रेंड स्क्वायर चैट से फ़ोन पर आ गए। उसके कहने पर मैं उससे मिलने भी गया कोलकाता 2011 में। हम एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, और एक बात कहूँ, I really like you। नूपुर मैं बता ही नहीं सकता कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें बिना बताए मिलने इसलिए आ गया कि मैं अपने दिल की बात तुमसे। मेरा बॉयफ्रेंड है। What? हाँ रजत, मेरा बॉयफ्रेंड है। We are going steady। उसका नाम रवि है। रजत, आई होप इससे हमारी फ्रेंडशिप अफेक्ट नहीं होगी। आई रियली लाइक यू एज अ फ्रेंड। फ्रेंड जोन कर दिया मुझे। फ्रेंड जोन का मतलब समझते हैं आप लोग? मैंने बस सब्र से सफ़र किया। मुझे मालूम था कि इस दुनिया में कोई भी रवि मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो सकता। तो रवि कहाँ है? अब आप रवि के बारे में जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे कि रवि की बकवास बंद करो और नूपुर कहाँ है बताओ? नूपुर का बॉयफ्रेंड रवि कहाँ है रजत? एक्स 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 बॉयफ्रेंड। अब वो कहाँ है? वो क्या उसे होना चाहिए? उसे कहाँ होना चाहिए? मुझे क्या पता सर उसे कहाँ होना चाहिए, मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे। तूने कहा नूपुर और रवि का ब्रेकअप हुआ? यस। क्यों हुआ? आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मैं नूपुर को फ्रेंड स्क्वायर पर फॉलो कर रहा था, उसके मूड को, स्टेटस को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। यू मीन स्टॉकिंग? स्टॉकिंग का एस भी नहीं जानते हैं। रेगुलर फॉलो कर रहा था उसके पिक्स को, स्टेटस को। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आए कि वो उसका ब्रेकअप हो गया है नूपुर का। रास्ता साफ था, ग्रीन सिग्नल, गो गो गो। यू नो इंस्पेक्टर, मेरी सिक्स्थ सेंस है। नूपुर भी कहती थी कि मुझ में वो टैलेंट है, नेचुरल गिफ्ट। रवि और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया। रजत, मैं अब सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, कहीं अब्रॉड चली जाना चाहती हूँ, इन सबसे दूर। यूके में जॉब करोगी? मैं यूके में सेटल्ड हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। नूपुर, इनफैक्ट तुम्हें भी एक मच नीडेड चेंज मिल जाएगा वहाँ। लेकिन तुम यूके कब सेटल हुए? लास्ट ईयर। मेरा भी दिल टूटा ना। जिसको दिल से चाहा उसने फ्रेंड जोन कर दिया, इसलिए इन सबसे दूर जाने के लिए मैं यूके सेटल्ड हूँ। गोली दे रहा था उसे। यूके में तेरा कोई जॉब वॉब नहीं था। नूपुर कहाँ है रजत? नींद आ रही है रजत। नूपुर कहाँ है? जी हाँ, मैं कनिका चौधरी बोल रही हूँ। और हाँ, रजत वर्मा मेरी बड़ी बहन रागिनी का बेटा है। पूछे क्या पूछना है? आपकी बड़ी बहन रागिनी और जीजाजी चंद्रकांत वर्मा इस वक्त कहाँ हैं? हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। जी वो लोग तो स्कॉटलैंड सेटल हुए हैं। वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? सॉरी, मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। 2012 में जब वो लोग यहाँ जोधपुर में थे, तभी मेरी आखिरी बार बात हुई थी दीदी और जीजाजी से। वैसे आप बताएंगे बात क्या है? हमें रजत के बारे में उनसे कुछ बात करनी है। वैसे आप कुछ बता सकती हैं रजत के बारे में? जी नहीं, 2012 से ही मैंने रजत के साथ बात करनी बंद कर दी थी। बहुत बदतमीजी से पेश आया था वो मेरे साथ। कुंभकर्ण के जैसा सोरा साहब जी। समझ में नहीं आता किस मिट्टी का बना है ये। नारायण उठाओ इसे और ब्लैक कॉफी की पूरी केतली रख दो उसके सामने। सर वो उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना हमारी बेटी नूपुर के साथ? प्रणव जी, सच कहूं तो हम उसके साथ बहुत ही लिमिटेड तरीके आजमा सकते हैं।
वो बहकी बहकी बातें भी कर रहा है। लेकिन प्रणब जी, एक बात बहुत अजीब है। आपकी बेटी का इस सनकी के साथ 4 साल से रिश्ता था। वो रजत के यूके बेस्ड होने पर अट्रैक्टेड हुई और घर छोड़ दिया एक यूके जॉब ऑफर के लिए, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है। मैडम, हमें तो उतना ही पता है जितना नुपुर दीदी ने हमें बताया है। सर, एक बात मैं आपको अभी कंफर्म कर सकता हूँ कि रजत वर्मा एक यूके बेस्ड इंटरनेट फोन का यूज कर रहा था नुपुर साहब से कम्युनिकेट करने के लिए। इतने सालों से? यस सर, रिकॉर्ड्स मेरे सामने हैं। सर, यहीं जोधपुर में बैठकर रजत ने अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को पोस्ट और एक्टिविटीज अपडेट की हैं, दैट टू फ्रॉम अ यूके बेस्ड इंटरनेट कार्ड। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सो कॉल्ड लंदन के फोटोग्राफ्स रजत और नुपुर ने अपने फ्रेंड्स को अकाउंट्स पर शेयर किए थे, वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स पुराने हैं। शायद तब के जब वो कोलकाता में मिले हों या फिर इंडिया में कहीं और। उन सारे के सारे फोटोग्राफ्स को ग्राफिकली चेंज करके उन्हें लंदन का बैकग्राउंड दिया गया है। सर, सारे के सारे ओरिजिनल पिक्चर्स लैपटॉप में हैं। ये भी तो हो सकता है कि नुपुर के इंडियन नंबर से जो मैसेजेस किए गए वो नुपुर ने नहीं बल्कि खुद रजत ने किए हों। सर, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि रजत हैकिंग के मामले में काफ़ी हाई लेवल तक पहुँच गया है और उसने नेटवर्क जैमर्स भी क्रिएट किए हुए थे ताकि उसका आईपी एड्रेस और उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। नहीं मम्मी, पुलिस अब भी बात ही कर रही है उसके साथ। पुलिस उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रही होगी। तू जाके उससे मिल, प्यार से बात कर और उससे कहना मैंने कहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और बता दे कि नूपुर कहाँ है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस हमें एक सेकंड के लिए भी उससे मिलने नहीं दे सकती। वो लोग कह रहे कि वो अजीब आदमी है, सनकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने नूपुर को कहीं छिपा दिया हो? पता नहीं मम्मी। नया क्या है सर? रजत का अजीब बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब? उसने मेरे साथ भी सेम बर्ताव किया था, इसलिए मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। आपको बीकानेर जाने के लिए किसने कहा था? मैंने तो बोला नहीं था। ये क्या तरीका हो गया अपनी मासी के साथ बात करने का? तुम ठीक तो हो? मौसी, आप मेरी फिक्र तो करो ही मत। खुद की जिंदगी तो बिखरी पड़ी है आपकी हर जगह से। आपके पास इसके सिवा कोई काम नहीं कि आप जाके मौसा जी का खून चूसो और आकर मेरी माँ का सर खाओ। हेलो, ये कौन बोल रहा है? तुम रजत तो नहीं हो? फोन पर घुसकर आपके सामने प्रकट हो जाऊं? तुमने नशा कर रखा है पक्का। मुझे बस अपनी रागिनी दीदी के साथ बात करनी है। कहाँ है वो? और जीजू कहाँ है? लास्ट बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं कहूंगा। मेरे मॉम और डैड स्कॉटलैंड में सेटल हो गए। तो मुझे वहाँ का नंबर दो। एक काम करो, आप होम मिनिस्ट्री में ना एप्लीकेशन कर दो। अगर वो लोग अप्रूवल देते हैं ना, तो फिर मैं सोचूंगा कि नंबर शेयर करना है कि नहीं करना। उसके बाद मैंने फोन करना बंद कर दिया। पिछले 5 साल से आपकी अपनी बहन रागिनी वर्मा से कोई बात नहीं हुई, और ना ही जीजा चंद्रकांत वर्मा से। जी नहीं, नहीं हुई थी। आपको अजीब नहीं लगा? आपके पास फोन नंबर नहीं था इसलिए आपने फोन नहीं किया, लेकिन आपकी बहन और जीजा जी, उन्होंने फोन क्यों नहीं किया आपको? मुझे लगा कि रजत के बर्ताव से वो लोग इतने शर्मिंदा हुए होंगे कि शर्म के मारे ना ही मेरे सामने आ रहे और ना ही मुझे फोन कर रहे हैं। बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बिल्कुल खामोश? सर, ठीक उसी तरह जैसे नुपुर साहब अपने परिवार के साथ बिल्कुल खामोश हो गई थी। कुछ तो भयंकर हो रहा है, या तो हो चुका है। सर, मैडम जरा ये दोनों पेपर देखिए। ओके, अब मैं ठीक हूं। नूपुर कहाँ है रजत? यहाँ तो नहीं। रिटायरमेंट के बाद रागिनी दीदी और जीजा जी ने बीकानेर सेटल होने का प्लान बनाया था। उन्होंने वहाँ पे एक कोठी भी खरीद ली थी। उसके बाद अचानक से स्कॉटलैंड जाने का प्लान कैसे बना और वो कोठी का क्या हुआ, उसका मुझे कुछ पता नहीं है। उस बीकानेर वाली कोठी का एड्रेस है आपके पास? शायद एरिया थोड़ा बहुत याद है। जितना भी याद है लिख दीजिए। सर, हम वहाँ जाकर देखते हैं, शायद ये चंद्रकांत और रागिनी जी वहीं रह रहे हो। सर, रजत के कमरे की तलाशी में एक फाइल से 2 डेथ सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इन डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से 27 मार्च 2012 को चंद्रकांत वर्मा गुजरे और 28 मार्च 2012 को आपकी बहन रागिनी वर्मा, इनसे एक दिन बाद।
चंद्रकांत और रागिनी वर्मा का पेंशन तो अभी चल रहा है क्योंकि खुद उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और ये रजत ही ऑपरेट कर रहा है उनके अकाउंट को। अप्रैल 2012 में बैंक को चंद्रकांत और रागिनी वर्मा का एफिडेविट मिला था जिसके बाद ही उन्होंने परमिशन दी थी रजत को उनका अकाउंट ऑपरेट करने की। क्या रागिनी वर्मा और चंद्रकांत वर्मा का एफिडेविट बैंक को 2012 अप्रैल में मिला यानी उनकी मौत के बाद? क्या है यार भाई, केस क्या है? मैंने नुपुर की कॉफी में नींद की गोली मिला दी थी। क्यों? मेरा बस चले तो मैं आपके साथ भी यही करूं। क्यों? क्योंकि आप बार बार एक ही सवाल करते हैं, बोरियत होती है। बेबी कॉफी पिएगी ना? कॉफी पी लो प्लीज बेबी, प्लीज बेबी। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा सा बेबी। इस वक्त नुपुर कहाँ है रजत? वो जिंदा भी है या तुमने उसे मार डाला? तेरे पेरेंट्स मर चुके हैं रजत। सर क्या चक्कर चला के रखा है तूने? हाँ, तेरे पेरेंट्स कभी स्कॉटलैंड गए नहीं, नुपुर तेरे साथ कभी यूके गई नहीं, सब झूठ, सब फेक। असलियत क्या है तेरी? तेरे फादर और मदर की डेथ के बीच भी सिर्फ एक दिन का फर्क है। कैसे? सिक्का है आपके पास? बहुत बुरी तरह से पिटेगा अब तू। सर सिक्का सिक्का। अब तुझे सिक्का क्यों चाहिए? उछालो उछालो और तुम तीनों डिसाइड करो कि मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछना है कि नुपुर के बारे में पूछना है। अरे आप लोग खुद तो कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। बहुत हो गया तेरा ड्रामा रजत, अब सीधे सीधे मेरे दो सवालों का जवाब दे। एक, नुपुर कहां, और दो, तेरे पेरेंट्स की मौत कैसे हुई? सर कुछ बड़ा झोल है, यहां बीकानेर में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा की डेथ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या बोल रहे हो नारायण? उनके डेथ सर्टिफिकेट्स मेरे हाथ में, बीकानेर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मोहर लगा है। सर मेरे हाथ में भी तो वही है, मैं अभी कॉर्पोरेशन ऑफिस से बाहर निकला हूँ, अंदर उनके यहाँ से कोई डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है। मतलब जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो जाली है? आज तक किसी ने इतना नहीं नचाया जितना इसने नचाया। चिकरता साले की खाल उतार लो। सर हो सकता है सनकी ने अपने माँ बाप और नुपुर को कहीं बंदी बनाकर रखा हो। बीकानेर की कोठी की तलाश के लिए एक टीम भेजी है मैंने। फिर इसके पेरेंट्स ने इसे अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने की परमिशन कैसे दी, वो भी इंडियन एम्बेसी यूके के एफिडेविट के साथ? वो लेटर बैंक से मंगा लिया मैंने सर। सर नितिन सर ठीक कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि कहीं बीकानेर की कोठी में वो तीनों लोग कैद ना। चंद्रकांत वर्मा और रागिनी वर्मा की है? जी उनकी थी, हमने खरीदी। चंद्रकांत वर्मा जी से? जी नहीं, उनके बेटे रजत वर्मा से जो लंदन में रहते हैं। पर बात क्या है? कब खरीदी आपने ये कोठी? 2014 में खरीदी थी। अब इस घर के सारे कागजात चाहिए, अब जीरोस करके आपको वापस कर देंगे। मेरे हस्बैंड आदित्य अभी ऑफिस में है, घर के पेपर्स के बारे में वही जानते हैं। मैं उन्हें फोन लगाती हूँ, आप बात कीजिए। बेच दी? अच्छा हुआ होगा। वैसे मैंने आपसे कहा ना सर कि मेरी 2012 के बाद उनके साथ कोई बात ही नहीं हुई है। 2012 में गुजर जाने के बाद 2014 में चंद्रकांत वर्मा और उनकी पत्नी रागिनी वर्मा ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, अपनी डेथ के पूरे 2 साल बाद। और ये रहा इंडियन एम्बेसी यूके का एफिडेविट। इंडियन एम्बेसी ऑफ यूके ने इस एफिडेविट में चंद्रकांत और रागिनी वर्मा के सिग्नेचर वेरीफाई किए, ये कहते हुए कि वो तुरंत इंडिया नहीं ट्रैवल कर सकते। एडनब्रो स्कॉटलैंड का एड्रेस भी दिया हुआ है। और नुपुर को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था एक फेक कंपनी जेडी एरोनॉटिक्स से, जिसका एड्रेस भी फेक था। क्या स्टेटस है? पिछले एक घंटे से माथापच्ची चल रही है सर।
यहाँ वहाँ हर जगह फुल टॉस गुगली मार रहा था। फाइनली बोलने के लिए रेडी हुआ है कि नूपुर कहाँ है। अब कोई फ्लैशबैक नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए। नूपुर कहाँ है? वो जो दो सर्टिफिकेट्स दिखाए ना आपने मुझे, मेरे पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स। मुझे मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए। तो अपने पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट को फिर बीच में ला रहा है? वही तो बीच में आ रहा है, वही तो कनेक्शन है नूपुर के साथ। क्या क्या कनेक्शन है तेरे पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट और नूपुर के गायब होने के बीच? कोई टोकेगा नहीं। ओके 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 ओके। मेरा क्या है ना कि पेपर वर्क बहुत रहता है, काफ़ी रहता है, मतलब बहुत। तो मैंने कई फाइल्स खोली थी, याद नहीं किस लिए। तो ये दो सर्टिफिकेट्स हैं ना, ये मैं वापस रख नहीं पाया था। फेयरनेस क्रीम है ना? राजी वापस जाना है, फोन किधर है? क्या हो गया बेबी? सच क्या है रजत, तुम्हारे पेरेंट्स स्कॉटलैंड में हैं या मर चुके हैं? तुम यूके सेटल्ड हो या तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है? मुझे इतना बुरा लगा उस वक्त कि क्यों मैंने कॉफी में कम नींद की गोलियां मिलाई, क्यों रेगुलर डोज नहीं दिया जिससे वो बीच में ही उड़ गई थी। सर आपको पता है, कभी कोई, खासकर गर्ल्स, रोमांटिकली मुझे पसंद नहीं करती। मे बी बिकॉज ऑफ माई फेस, आई डोंट नो, बट नहीं करती थी। लेकिन नूपुर ने मुझसे प्यार किया। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, लंदन में कुछ था नहीं, जॉब कहाँ से देता। आप कोई पेड़ पर चढ़े? आप तो चढ़ी हो। जब आप पेड़ पर चढ़कर फल खाते हैं ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि मजा तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ने का है, फल खाना तो ऐवे ही है। लव, प्यार का भी कुछ वैसा ही है। फिर क्या हुआ? बोर हो गया था उससे, थक गया था सर उससे। फिर मैंने उसके मोबाइल से मैसेजेस करने शुरू किए, उसके पेरेंट्स को, उसके बुद्धू भाई को, सब मुझे हैप्पी हैप्पी दिखाना पड़ रहा था। लंदन टूरिज्म चल रहा था मेरा। तूने उसे बंदी बनाकर रखा था। उसने तो घर पे मैसेज भी किया था कि उसे गलती हो गई है, वो घर लौटना चाहती है। मैं घर आ रही हूँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने। गलती तो मुझसे हो गई थी जो मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली। तो मुझे पता ही नहीं चला कि न सिर्फ नूपुर उठ गई थी बल्कि मोबाइल भी उसके हाथ लग गया था। गौतम, मैं घर आ रही हूँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था, मैं वापस आ रही हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ आप तीनों को। मैंने वैसे सारे नेटवर्क सिग्नल जैम कर रखे थे, लेकिन उस दिन गलती से मैंने वाईफाई ऑन रखा हुआ था। उतने में साली ने मैसेज भेज ही दिया। 31st October 2016, उस दिन उसने मेरे पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स देख लिए थे।
अब ये मेरे लिए काफी सीरियस मैटर हो गया। अगर तूने नुपुर का कत्ल किया तो उसकी लाश को भी कहीं ना कहीं छिपाया होगा, है ना? मेरे घर में। खोलिए प्लीज। अरे मेरी मेरी बेटी। दो मिनट के लिए खोलिए ना प्लीज प्लीज। दो मिनट के लिए अंदर आने दो। मैडम मैडम ये हम क्या सुन रहे हैं? वो झूठ भी तो बोल सकता है ना मैडम। ये रजत आज तक झूठ ही तो बोलता है। काश कि वो झूठ बोल रहा हो साहा जी, पर कड़वा सच तो ये है कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। नुपुर मार्बल के पीछे है इंस्पेक्टर, तुमने वहां चेक नहीं किया? अंदर कोई नहीं देखता जबकि सच्चाई तो अंदर ही होती है। ये सच नहीं कि जो बाहर से अच्छा लगे वो अंदर से बुरा नहीं हो सकता, या जो बाहर से भद्दा लगे वो अंदर से साफ नहीं हो सकता। ब्लैक एंड व्हाइट चीजों के रंग होते हैं, जिंदगी के नहीं। स्टेटमेंट लेना है भाई। आज दे रस्कर जस्ट एक स्ट्रीट सर, हो क्या रहा है बता दो भाई सब। कैसे ले जाओगे भाई साहब? जेब में डाल के। ऑटो बुला ले भाई, ऑटो। सुनो, इसे नीचे से भी काटो। क्या कर रहे ये लोग? क्या कर रहे पता नहीं। हमारी नुपुर को दीवार के अंदर। कुछ पता नहीं है पापा। इस वक्त बताया गया है कि इस कोठी में एक मर्डर हुआ है और पुलिस एक लड़की की लाश ढूंढ रही है। कोठी के मालिक रजत वर्मा, जिन्हें हत्यारा बताया जा रहा है, वो पुलिस कस्टडी में है। हमने कई पड़ोसी से बात की, किसी को भी नहीं पता कि कोठी के अंदर क्या चल रहा था। कोठी के मालिक रजत वर्मा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। पुलिस सूत्रों के अनुसार रजत वर्मा मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। सर, आपको चाहिए क्या बताएंगे? फिर मैं आपको कुछ बेहतर दिखा सकता हूँ। मुझे मेरी अनारकली को दीवार में चुनवाना है। क्या? आप बेस्ट क्वालिटी का मार्बल दिखाओ। Thank you.
क्या ये हा? नुपुर की बॉडी कहाँ है? सर यही तो है मिस नुपुर साहब फ्रॉम रांची। क्या बकवास कर रहा है ये बोल, नुपुर की बॉडी कहाँ है? आ रही बदबू आपको? नहीं ना, आएगी भी नहीं सर। फाइव स्टार पैकिंग की थी मैंने और सर सीमेंट भी एकदम फर्स्ट क्लास लगाया है। केस क्लोज कर दो सर, घर जाओ आराम करो। जय हिंद सर। शेप देख के लग रहा है कि बॉडी है सर। ये आदमी एकदम पागल लगता है सर। आपके साथ कौन कौन मिला हुआ था बताइए, क्यों मारा आपने नुपुर साहब को? मुझे मेरी बहन को देखना है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि मेरी बेटी को मार डाला गया। प्रणव जी, गौतम, अभी तक हम खुद श्योर नहीं। तो फिर ये बॉडी किसकी है? अभी हम ये भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये बॉडी ही है। तो क्या क्या ये है? देखिए प्रणव जी, रजत बोल रहा है कि उसने नुपुर को मार डाला और उसकी बॉडी को सीमेंट से ढक दिया, लेकिन हम उसकी किसी भी बात को फेस वैल्यू पर नहीं ले रहे हैं। प्रणव जी, ये आदमी मेंटल केस है, हम इसके दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सच बोलेगा, बहुत जल्दी। इस रजत ने दोबारा चुप्पी साध ली, अब ब्लैक कॉफी मांग रहा है। अंधेरे से एक तरीके का ऑब्सेशन इस रजत को। काफी कॉम्प्लेक्सेस हैं इसे, अपने लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर। मुझसे पूछ रहा था कि मैं कौन सी फेयरनेस क्रीम यूज करता हूं। ये नॉर्मल तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी एबनॉर्मलिटी किसी ने नोटिस क्यों नहीं की। हमें इसके माँ बाप के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सर 2014 में रजत ने जिस आदमी को बीकानेर की कोठी बेची थी, आदित्य सैनी, वो कल यहां पहुंच रहा है। वीजा ऑफिस में एक बार और चेक करो कि रजत के माँ बाप वाकई में स्कॉटलैंड में सेटल हैं कि नहीं। राइट सर। रजत की मौसी कनिका चौधरी से थोड़ी सी बातें और करते हैं। सर ये रजत हमें वो बता रहा है जो ये बताना चाहता है, लेकिन हमें इसके बारे में वो जानना है जो ये हकीकत में। बॉडी गलकर सीमेंट में मिक्स हो चुकी है, उसे एक्सट्रिकेट करना आसान काम नहीं था, पर फाइनली हो गया ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि ये स्केलेटन नूपुर साह का है या नहीं। हम नूपुर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। मैडम मैडम, मुझे मेरी नुपुर दीदी को देखना है। क्या देखोगे गौतम? उस सीमेंट के अंदर सिर्फ कंकाल है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो मेरी बेटी नुपुर है? पहले कंकाल को क्लीन किया जाएगा, उसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, फिर आपको हॉस्पिटल बुला के आपके डीएनए सैंपल के साथ उसकी मैचिंग होगी, तभी कंफर्म होगा। मतलब इस वक्त आपके पास कोई सबूत नहीं है रे कि ये मेरी नुपुर दीदी है? नुपुर इतने महीनों से गायब रही है। रजत के घर से उसका सूटकेस, कपड़े और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। रजत ने खुद कबूल किया है कि उसने नुपुर को मारा है और ये नुपुर की बॉडी है। इस वक्त हम रजत के इसी स्टेटमेंट को सही मानकर चल रहे हैं, बाकी सच्चाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर ही पता चलेगी। मैं इंतजार कर रहा हूं रजत। अब क्या तुम नुपुर को ढूंढ रहे थे? मैंने नुपुर को संभाल के रखा था, बता दिया, मिल गई ना नुपुर। तूने उसका मर्डर क्यों किया? कारण बताने से नुपुर वापस आ जाएगी। क्या तूने नुपुर को सिर्फ इसलिए मार डाला?
क्योंकि उसे पता चल गया था कि तू अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोल रहा है। वो तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिंदा हैं या वो भी मर चुके हैं? यार इस टाइप के सवाल जो आप लोग करते हैं ना, बहुत इरिटेशन होती है, बहुत इरिटेशन होती है। नूपुर भी ऐसी सवाल करती थी। इसलिए तूने उसे मार डाला? ऐसा क्या इन सवालों में? ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इरिटेशन होती है। पक चुका था मैं नूपुर से, उब गया था, बता चुका हूं आपको। लंबे चेस के बाद एक लड़की हाथ लगी थी, बस मजा खत्म। बीकानेर की कोठी तेरे पेरेंट्स के नाम पर थी, कैसे बेचा उसे? कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, सारा पेपर वर्क परफेक्ट है, चेक कीजिए आप। यार इंस्पेक्टर आप ना यार होमवर्क वोमवर्क करके आते नहीं है, बेसिक बेसिक सवाल करके टाइम वेस्ट करते हैं। अब देखिए कॉफी ठंडी हो गई, क्या करूं इसका? मैं घर ढूंढ रहा था, मुझे घर पसंद आया, मेरे बजट में था, मैंने खरीद लिया। सर सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके सामने हैं, समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। देखिए सर, मैं जानता हूं रजत ने जो भी किया वो बहुत शॉकिंग है, और वो बात मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी, लेकिन ये तो उसने अभी किया है, और मैंने उससे घर 2014 में खरीदा था। आइए, वेलकम। ये मेरे पेरेंट्स का रिटायरमेंट होम था बेसिकली, और मैं लंदन में जॉब करता हूँ, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टी रखने का मतलब नहीं बनता, और जोधपुर में हमारी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। ये गार्डन है, कोठी के साथ आप ये सारा फर्नीचर भी ले सकते हैं। वो तो ठीक है, पर आपके पेरेंट्स कब आ रहे हैं ताकि हम कुछ रेट फिक्स कर सकें? नहीं नहीं, वो तो नहीं आ पाएंगे, वो तो स्कॉटलैंड में रहते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो इंडिया नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह डील मैं ही करूँगा। पर ये कोठी तो आपके पेरेंट्स के नाम पर है ना? मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, सब कुछ है, आप इन सब बातों की चिंता मत करिए। मेरी मिसेस को भी ये कोठी काफ़ी पसंद आई, बस इसलिए हमने खरीद ली। देखिए सर, सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके सामने हैं, नोटराइजेशन है, फ्रैंकिन है, सब कुछ तो किया गया है। काफ़ी कुछ किया गया है जो इस फ्रॉड को छुपाने के लिए किया गया है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसा फ्रॉड? अब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को ही ले, ये 2014 में ड्रॉ हुई, करेक्ट? जी सर, रजत ने हमको घर बेचने से पहले ली थी। किसे ली थी? अपने पेरेंट्स से, जो 2012 में ही गुजर गए थे। What? हमें उसके पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट मिले, ये, और इनके हिसाब से मार्च 2012 में दोनों गुजर चुके थे, एक एक दिन के अंतर में, और इनका रजिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं हुआ। लेकिन सर इस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ये यूके इंडियन एम्बेसी का एफिडेविट भी तो है, जिसमें ये मेंशन है कि वो दोनों स्कॉटलैंड में रहते थे। इसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, पर पूरी उम्मीद है ये भी सब फर्जी निकले। फेक है मैडम, टोटली 100% फेक। नो नो नो, लेटर हेड चेक करने की जरूरत नहीं, 100% फर्जी है। सबसे बड़ा गिव अवे है नरेश अग्रवाल। आपके मिस्टर रजत वर्मा ने नरेश अग्रवाल को हमारे एम्बेसी का सीनियर ऑफिसर बताया, साइन भी की है, पर ऐसा कोई नरेश अग्रवाल हमारी एम्बेसी में कभी रहा ही नहीं है। Yeah, that address you mentioned, it doesn't exist. We've checked our residence records and the city council offices as well. Well, we found no Chandrakant Verma or Ragni Verma. They're not on our records. We don't think they live here. मैं अपनी रागिनी दीदी की सिग्नेचर पहचानती हूँ, ये उन्हीं की है, और अगर नहीं है तो रजत ने कमाल की फॉर्जरी की है। रजत का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? अजीब है, बदतमीज है। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम है उसे? पर्सनैलिटी से? अंधेरे में रहना पसंद करता है, काफी डिस्टर्ब लगता है, ऐसा लगता है कि काफी गुस्सा भरा है उसके अंदर। क्या ऐसा है कि रजत चंद्रकांत और रागनी जी का असली बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ है? ये बात उसे शायद पता चल गई हो और वो डिस्टर्ब हो गया हो। ना ना सर, वो उन्हीं का बेटा है, मैं रागिनी दीदी की डिलीवरी के वक्त खुद मौजूद थी। तो फिर इस रजत का एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है वो तो नहीं पता, आप ये पता लगाइए कि दीदी और जीजा जी का है, क्या वो स्कॉटलैंड में है, और अगर नहीं है तो क्या रजत ने उन्हें कहीं छुपा कर रखा है बंदी बनाकर? पिछले दो दिन बुरे रहे हैं, काफी बुरे इनफेक्ट, कौन नॉनस्टॉप हाइपर रहा है रजत, हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स फोर्सफुली देने पड़े इंट्रावेनसली। हमें रजत से बात करनी है उसके पेरेंट्स के बारे में।
उनका कोई नामोनिशान नहीं है, वो कभी यूके गए ही नहीं, पर उनकी पेंशन उनके अकाउंट से बराबर ट्रांसफर हो रही है, जिसे रजत ऑपरेट कर रहा है। रजत ने उनकी बीकानेर की कोठी भी भेज दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। आपका आरोपी मेरा पेशेंट हाईली अफेक्टेड है, उसने एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उससे थक गया था। ये अफेक्टेड आदमी है, पर इसने नुपुर साहब को इंप्रेस करने के लिए, उसके माँ बाप, उसके भाई को धोखा देने के लिए डिटेल्ड किस्म की बैक स्टोरी तैयार की है। खुद को वेल सेटल्ड यूके रेजिडेंट साबित करने के लिए फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक तस्वीरें बनाना, इंटरनेट टेलीफोन यूज करना, क्या नहीं किया इस आदमी ने। ऊपर से पूरी दुनिया घूम चुका है। सिर्फ ये सीखने के लिए कि इंटरनेट हैकिंग कैसे की जाती है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, हैकिंग के लिए सेफ लैपटॉप्स खरीदने ये दुनिया के कई देशों में गया है, बैटरीज और चिप्स कहेंगे और बाकी के पार्ट्स कहेंगे, अनब्रांडेड अनरजिस्टर्ड चीजों को लेकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो यूके से रूट हो रहा था, और ये सब नुपुर को इंप्रेस करने के लिए कहा गया। फिर उसे एक झूठी जॉब का ऑफर देकर बुलाया गया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। इस आदमी के दिमाग में कोई कमी है, कोई जरूरत है जो कभी पूरी नहीं हुई। हमें उसके दिमाग के अंदर जाकर उसके कोर सिस्टम को हैक करना होगा, पर इसके लिए उसका स्टेबिलाइज होना जरूरी है। पहले एक दो दिन लगेंगे, अगर हमने जल्दबाजी की तो नुकसान हमारा ही होगा। डॉक्टर, हमेशा के लिए वेट तो नहीं कर सकते, थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। हमारे हाथों में इस वक्त एक इंसान की लाश है जो शायद नुपुर साहब की होगी। वैसे डॉक्टर कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि अब रजत के माँ बाप हमें कभी मिलेंगे। ये डेथ सर्टिफिकेट्स मैंने 2012 में बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? पैसों की जरूरत थी, आई वॉज ब्रोक, मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट से ही फॉर्जिंग शुरू कर दी। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, बड़ी बारीकी से स्टडी की, प्रैक्टिस की, और बिंगो, बना दिए मम्मी पापा के डेथ सर्टिफिकेट्स। लेकिन मैंने सिर्फ सिग्नेचर फोर्ज किए, ओके, सर्टिफिकेट्स पर जो डॉक्टर का स्टैम्प है ना, वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल, एकदम रियल। डॉक्टर अमरीश ठाकुर, घंटाघर से तीसरी गली, वही अपने जोधपुर के। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एम गिल्टी। मैंने रजत से दोस्ती में उसके पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट पे स्टैंप और साइन किया था, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसके मदर फादर जिंदा है या नहीं। रबर स्टैंप और सील तो लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो लगा दो माई फ्रेंड, जिंदगी भर याद रखूंगा और रीपे भी करूंगा। तूने ये डेथ सर्टिफिकेट नकली बनवाए, पर तेरे मम्मी पापा 2012 में मरे या फिर नहीं मरे, और अगर नहीं मरे हैं तो इस वक्त कहाँ हैं? सर, ये मैटर ही नहीं करता कि वो डेड हैं या जिंदा हैं, क्योंकि उनके लिए तो मैं पैदाइशी डेड ही रहा हूँ। क्यों? नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना, फॉर्जरी करना, पावर ऑफ अटर्नी बनवाना नकली वाली, एम्बेसी से लेटर पैदा करना, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है सर। आप जहाँ चाहें अपना नाम घुसेड़ सकते हैं, जहाँ से चाहें किसी का नाम खरीद सकते हैं, लाइक दिस। ये बीकानेर वाली कोठी बिकवाने में और ये जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने में तेरी मदद किसने की? कुत्ते को बिस्किट दो ना तो वो जिंदगी भर का वफादार हो जाता है, और दोस्त को पैसे दो तो सेम। अब रजत को अर्जेंट में कोठी बेचनी थी, मेरी भी तंगी चली हुई थी, इसलिए जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिए, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं कि उसके माँ बाप जिंदा थे भी या नहीं। यार सुन ना मिहिर, अब इन सिग्नेचर्स के लिए वापस कहाँ स्कॉटलैंड जाऊंगा यार, और वो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है यार, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। भाई काम करा दे मारा, मन ने कोठी बेची जैसे भी। सर जी, मारे को अभी अभी पता चला है कि उसके माँ बाप स्कॉटलैंड में नहीं है, और तुझे अभी पता चलने वाला है कि तू लॉकअप में होने वाला है। सर, हर एक डॉक्यूमेंट फोर्ज किया जा सकता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्या एक इंसान का बचपन बदला जा सकता है? क्या उसके चेहरे को चेंज किया जा सकता है? क्या तुम्हें बचपन की कोई बात खटकती है? क्या हुआ था तेरे साथ बचपन में? किसने कुछ किया था तेरे साथ? कुछ कहा था तुझसे? कभी तेरे पेरेंट्स ने तेरे साथ कुछ किया, कुछ कहा? इंस्पेक्टर, अगर इस साल तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या उसके लिए तुम अपने इस चेहरे को दोष दोगे? नहीं। और बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो क्या उससे प्यार नहीं करना चाहिए? उसको हर बात पे ताने देना चाहिए? उसको थप्पड़ मारना चाहिए? आखिर पूरा दिन स्कूल में तुम करते क्या हो? थोड़ा भी अंदाजा है तुम्हें कुछ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? ये लड़का हर चीज में ब्लो एवरेज कैसे हो सकता है? पढ़ाई में, खेल में,
अरे और तो और शक्ल सूरत में भी। मुझे शर्म आती है इसे कहीं भी ले जाने में। पढ़ाई में भी ऑलमोस्ट जीरो, गणित में 20 में से 2, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भी क्वालिफाई नहीं होता है। स्कूल के नाटक में भी इसका चेहरा ढककर पेट वेट बना दिया जाता है इसे। रजत, पता है तुम क्या हो? तुम अपने माँ बाप की इज्जत पर, मेहनत पर, उनके अच्छे नाम पर एक धब्बा हो। हम दोनों ने कितनी मेहनत की, पढ़ाकू थे, अच्छी नौकरियां पाई। इस बुद्धू को जितनी चीजें मिलती है ना, उसका 10% भी हमारे माँ बाप हमें नहीं दे सके। पर ये लाइफ में करेगा क्या? पता है आप लोगों को पेट में अपेंडिक्स होता है, जो कि बॉडी के किसी काम का नहीं होता। मेरे पापा ना मेरे लाइफ के अपेंडिक्स थे, होकर भी ना के बराबर। चू नहीं करेंगे, मम्मी की बातें जो हैं वो नाखूनों से ज़्यादा नोचती थी। लेकिन मजा ले, कभी पापा ने मम्मी से कुछ कहा हो? 10 साल का था मैं, ऑलरेडी मेरे माइंड में ज्वालामुखी फट रहे थे और मेरे पापा मम्मी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। सोचिए किस काम में बिजी होंगे वो लोग, ऑफिस का काम। हमारे मौसा जी ने कितनी बार डकारे ली, गैस कितनी बार छोड़ी, उस पर घंटों डिस्कशंस होते। पर मेरी प्रॉब्लम्स के लिए टाइम कहाँ था किसी के पास? इंस्पेक्टर, अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम में बुरे नंबर लाता है तो आप उसे एनकरेज करेंगे ना बेटर परफॉर्म करने के लिए? यस, मैं ऐसे ही पर्सनालिटी के साथ पैदा हुआ। पढ़ाई करने की मेरी लिमिटेड एबिलिटी थी, ऐसे ही था मैं। लेकिन थोड़ा एनकरेजमेंट ज़रूरी होता है थप्पड़ और तानों की जगह। तो ना वक्त के साथ साथ मेरी ये सेंसिटिव खाल जो है ना वो मोटी होती गई और मैं फॉर्जरी एक्सपर्ट हो गया। बचपन के संस्कार हैं मेरे। मेरे कॉलेज के फर्जी मार्कशीट उन्हें यकीन दिला देते थे कि मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, पढ़ता हूँ। और असलियत सामने आ गई उनके एक दिन। ये ग्रेजुएशन की डिग्री तो क्या, ये मास्टर्स पीएचडी भी फोर्ज कर जाता। ये तो शुक्र है कि इसका प्रोफेसर मिल गया मुझे रास्ते में। मैंने कैजुअली पूछ लिया उससे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा बेटा क्लास में। शॉक दिया उसने मुझे, कहने लगा कि आपके बेटे ने तो कॉलेज छोड़ दिया है ना, और ये बुक्स के पैसे, फीस के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे सब बराबर लेता रहा मुझसे। झूठा कहीं का। तुम इस हद तक गिर गए? अपने ही माँ बाप के साथ में फ्रॉड किया तुमने? क्या कमी छोड़ी थी, क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? ऐसे नहीं मानोगे तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें। मुझे नहीं लगता हम इसे कभी सुधार पाएंगे। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तुम इसकी पॉकेट मनी बंद कर दो। अब इसे जो भी करना होगा अपने बलबूते पे करना होगा, अपनी मेहनत से करना होगा। इनफ इज इनफ। मैं अपने दर्द में डूबा नहीं, बल्कि मैंने अपने दर्द को ही डुबो दिया, चलाकर राख कर दिया। इस वक्त तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं रजत? उन लोगों ने बहुत गुरूर था कि देखो कितनी मेहनत और सेक्रीफाइस करके मैं जॉब लगी, कैसी अच्छाई की मूर्त हैं हम लोग। तालियां बजाओ भाई, तालियां। अब ना वो दोनों रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला तक नहीं, बस निकल गए अपने रिटायरमेंट होम के लिए, बीकानेर की वो कोठी। अब मेरा क्या होता? तब तक तो बीच बीच में मेहरबानी करते थे, दे देते थे कुछ पैसे, लेकिन अब मुझे बीकानेर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। ये वक्त हाथ फैलाने का नहीं, हाथ बटाने का है। तुम्हारी उम्र के लड़के अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माँ बाप को देते हैं, तुमसे हमें वैसी कोई उम्मीद तो है नहीं। जाओ, जाके कोई जॉब करो। ठीक है पापा, मैं जॉब ढूंढूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जाके कमाते क्यों नहीं? किसने रोका तुम्हें कमाने से? हम तो भाई अब पेंशन पे आ गए हैं। जब तुम ये उम्मीद करो कि हम अपनी पेंशन में से भी तुम्हें पैसे दें, ये तो भाई तुम्हें कोई जॉब वॉब नहीं आता वो समझे, लेकिन जरा सी शर्म भी नहीं आती? तुम्हारे पापा ने मना कर दिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जाकर अपने पैसे खुद कमाओ। मम्मी मेरी ट्राई चल रही है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी कुछ तो हेल्प कर दो। रजत, तुम्हारी इस मोटी खोपड़ी में ना
एक बात अच्छी तरह से गुजर लो, तुमने अपनी जवानी वेस्ट की है। इतने साल निकम्मों के साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट किया है, स्कूल कॉलेज सब सब वेस्ट किया है। अगर तुम पढ़े होते, कुछ किया होता ये झूठी मार्कशीट बनाने के और पेरेंट्स को धोखा देने के अलावा, तो आज तुम्हारी सारी गलतियां छुप गई होती, तुम कुछ बन गए होते और तुम्हें इस तरह से भीख नहीं मांगनी पड़ती। तब जब पैसे मांगता भाई किसी बेटे लेक्चर कि कैसे मैं एक धब्बा हूं, कैसे मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी? नहीं, उन्होंने मेरी लाइफ वेस्ट कर दी। कभी मेरे दर्द को नहीं समझा, फिर क्या करता मैं? आईने को अपना दर्द दिखाता और साथ साथ वो बनने की कोशिश करता जो कि मैं हुई ही नहीं, जो बनने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ। पता है इंसान की बॉडी में एक चीज़ होती है जो पोस्टमार्टम में मिलेगी ही नहीं पर उसकी कामयाबी में सबसे ज़रूरी होती है, कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस डील मेकर है, डील ब्रेकर है। जब ये टूटता है, छोड़ जाता है बॉडी को, उसके बाद आपके अंदर कोई जीपीएस नहीं रहता। आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है, उसकी जगह लेता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जब चौकड़ी मारकर बैठ जाता है ना आपके अंदर, तो एक सिंपल डिस्प्ले पिक डालने में आपकी सर कि कब कौन मजाक उड़ाएगा, कौन चिढ़ाएगा, बुली करेगा। सचत, इस वक्त तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तूने तो अपनी दोस्त को धोखा दिया जिसने तुझ पर भरोसा किया। तूने ही कहा था ना कि उसने तुझे दूसरों की तरह नहीं समझा, दूसरों की तरह नहीं देखा। आप लोग फिर गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, है ना? ये इंस्पेक्टर बैठकर यहाँ मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ओपन हो रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ, और आपने ये नुपुर वाला ताना मार दिया जबकि वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है दीवार के पीछे। कोई गेम नहीं खेल रहा है तेरे साथ रजत, अब तू शांति से हमें ये बता वो दोनों कहाँ है, तेरे पेरेंट्स। सर शांति से बता रहा हूँ, वो दोनों शांत हैं, उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं। यू नो वी आर कूल विथ ईच अदर। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रजत। क्या था आपका सवाल? ओ हाँ, वो लोग बीकानेर वाली कोठी में, अपने रिटायरमेंट हाउस में। बीकानेर की कोठी में कहाँ है वो दोनों? अरे वो क्या नाम है उसका, आदित्य सैनी, और उसकी वाइफ का नाम क्या जिससे मैंने कोठी बेची है? मिसेस सैनी, आगे बोल। हाँ मिसेस सैनी और मिस्टर आदित्य सैनी गार्डन में चाय पीते हैं ना। गार्डन में? हाँ गार्डन में, मैं कई बार जाता हूँ वहाँ पर। ऑफ कोर्स उनको डिस्टर्ब नहीं करता, दूर से देखता हूँ। कपल जो है बेंच पर बैठा है, बढ़िया चाय नाश्ता चल रहा है, अखबार पढ़े जा रहे हैं, फोन पर बात हो रही है। अब सर इससे बेहतर कंपनी पापा मम्मी को कहाँ मिलती है? और मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा ने कभी उन्हें डिस्टर्ब किया है, तो सैनी कपल ने भी मेरे पापा मम्मी को उनकी जगह से कभी खाली नहीं करवाया होगा। वो दोनों वहां है उसके नीचे। नितिन बुलाओ। हे भगवान, आदित्य आपने पहले पता नहीं करवाया था? मैं कैसे पता करता, हम कितनी अजीब चीजों के बीच में रह रहे थे इतने सालों से।
से घूर क्या रहे हो? रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ रजत। जाओ अपनी जिंदगी में खुद जाकर कुछ करो। बचपन से सिखा सिखा कर थक गई। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो और अब कुछ कर लो, कुछ कर लो कर लो। लेकिन तुम्हारी इस बुद्धि में तो कुछ आने वाला नहीं है ना। चाय ले क्या मेरी? फॉरेंसिक टीम बुलवाओ। जी सर। इस बेंच पर हम रोज बैठ के चाय पिया करते थे। अपनी पूरी कमाई मैंने इस कोठी को खरीदने में लगा दी। रजत ने हमें बोला था कि उसके माँ बाप यूके में सेटल हैं, स्कॉटलैंड में, और हमने मान लिया। मैं क्या करती सर, मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। बदतमीज तो वो हो ही गया था, लेकिन खूनी भी बन जाएगा, वो भी अपने ही माँ बाप का, ये कभी नहीं सोचा था। हम टेंशन में जरूर थे नूपुरती को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ होगा एक बार भी नहीं सोचा था। कभी कभी दुख भी लगता था कि दीदी मुझे सामने से क्यों फोन नहीं कर रही। कई बार डाउट भी हुआ था कि इतने 5 सालों में बिना किसी झगड़े के दीदी खामोश क्यों है। मिला कि नूपुर दी हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती, वो बदल गई है। हमें शक था कि वो नूपुर नहीं हो सकते जिस तरह वो मैसेज आते, लेकिन बस। कनिका जी, आपको डाउट हो कि कुछ अटपटा है आपकी बहन की 5 साल की चुप्पी में, रजत की बदतमीजी में? एक बार, सिर्फ एक बार पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दी। 31 अक्टूबर तक नूपुर जिंदा थी, उसे ड्रग्स दिए गए, बेहोश रखा गया था उसे। लेकिन जब 3 महीनों तक उसका आप लोगों को कोई फोन नहीं आया,
तो आप लोगों को तुरंत इससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर हमारे पास आना चाहिए था। कनिका जी, आप डाउट उठाती तो पुलिस एक्शन लेती। 2012 में ही आपकी बहन, आपके जीजा का मर्डर सामने आ जाता, रजत जेल में होता और शायद नूपुर की जान बच सकती थी। हम समझ सकते हैं नूपुर पर भरोसा किया आप लोगों ने, जब इतने महीनों तक आपने उसकी आवाज नहीं सुनी, उसके SMS पर शक भी हुआ, तब तो सिर्फ शक करने के बजाय कोई कदम उठाना चाहिए था। नूपुर को बचाया जा सकता था। सब कुछ खत्म हो चुका है रजत, अब तू एक लंबे समय के लिए अंधेरे में रहने वाला है। बस इस केस पर मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए। वो असली वजह क्या थी जिस वजह से तूने अपने माँ बाप को मार डाला? मुझे नहीं पता। तुझे क्या लगता है, तू अकेला है, नायाब, यूनिक, जिसके माँ बाप सख्त थे? मुझे नहीं पता माँ बाप कैसे होने चाहिए, आप बता दीजिए। माँ बाप कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, इस पर कोई थीसिस नहीं चल रही है। वो जैसे भी थे इंसान थे, माना तुझे बहुत सारी शिकायतें थी उनसे, तुझमें तो दिमाग है। माँ बाप कैसे नहीं होने चाहिए ये तुझे पता है, तो फिर इतनी बेरहमी से मारने की क्या जरूरत थी? अरे छोड़ के चला जाता उन्हें कहीं। जो काबिलियत तूने इतने सारे जुर्म करने में दिखाई है, यही काबिलियत, यही टैलेंट अपनी जिंदगी बनाने में दिखाता। और नूपुर, उसने क्या बदसलूकी की थी तेरे साथ? उसने तो प्यार ही किया था ना तुझसे। वो मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अरे वो तो लंदन के प्यार में थी, मैं तो वाया मीडियम था, मुझे एकदम क्लियर था कि उसके दिल में मैं नहीं हूँ। शायद वो रवि होगा, उसका एक्स, या कोई नया वाय, या कोई जेड, पर मैं नहीं था। जबरदस्ती का शक मैन्युफैक्चर किया है तूने रजत। धोखा उसने तुझे नहीं, तूने उसे दिया। कत्ल उसने तेरा नहीं बल्कि तूने उसका किया। क्यों किया रजत? क्यों किया पता नहीं, नहीं करना चाहिए था। मम्मी पापा नूपुर को नहीं मारना चाहिए था, गलत किया मैंने। मालूम नहीं मेरे अंदर एक वॉल्केनो सा फटा, गलती हो गई मुझसे। आप मुझे फांसी दे दो, हाँ सच में आप मुझे फांसी दे दो। बचपन के तानों की गूंज जिंदगी भर सुनाई दे सकती है, लेकिन बचपन का अब्यूज हो या फिर कोई और कारण हो, कोल्ड ब्लडेड मर्डर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरह से उसके पेरेंट्स को, मौसी को या कोई और को उसकी मेंटल कंडीशन कभी नोटिस में नहीं आई, उसी तरह एडल्ट लाइफ में की गई फॉर्जरी और फ्रॉड भी किसी के नोटिस में नहीं आए। यही लापरवाही इतनी महंगी साबित हो। अगर बचपन में ही उसकी मेंटल प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती तो उसके माँ बाप दोनों जिंदा होते। जवानी में अगर उसकी फॉर्जरी पकड़ में आ जाती तो डेफिनेटली नूपुर को बचाया जा सकता था। नूपुर अपने आप को तो बचा सकती थी, मतलब आज की तारीख में लड़कियां हर जगह जॉब कर रही हैं, दुनिया भर में ट्रैवल कर रही हैं। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि नूपुर ने बिना वेरिफिकेशन किए, बिना कोई डबल चेक किए ब्लाइंडली रजत की सारी बातों को मान लिया? इतना ज्यादा ट्रस्ट एक्सट्रीम लगता है, बेवकूफी है सर। बिल्कुल है, पर इस तरह का एक्सट्रीम बर्ताव और उसके भयंकर परिणाम पब्लिक को सचेत करते हैं कि किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर ना लिया जाए, बल्कि हर चीज को वेरीफाई करें। पता है जब सुनामी आई थी उसके ठीक एक दिन पहले, जंगल के सभी जानवरों ने अपने आप को पहाड़ों पर महफूज कर लिया। कैसे? क्योंकि वो सचेत थे, कुदरत के इशारे की तरफ सेंसिटिव थे। जुर्म की सुनामी भी एक नहीं, कई इशारे देते होने के पहले और होते होते, बस उन्हें समझना और पकड़ना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।